शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जीत की सरगम सरगम बादशाह हूँ मैं सबका। ओ हे ओ, गांव जीत की सरगम सरगम राजा हूँ मैं सबका। ओ हे ओ, गांव जीत की सरगम सरगम बादशाह हूँ मैं सबका। ओ हे ओ, गांव जीत की सरगम सरगम राजा हूँ मैं सबका। ओ हे ओ, डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आप सब लोग फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मतलब फ्यूचर में मानव की सेवा करने वाले डॉक्टर्स। मानव सेवा ही माधव सेवा। मैं पहले तुम्हें इंसान के शरीर के बारे में बताना चाहूँगा। पहले लड़कियों के शरीर के बारे में बताइए सर। शट अप। तो कम से कम लड़कों के शरीर के बारे में तो बताइए सर। लड़का हो या लड़की, शरीर एक जैसा है। अगर उनमें से जान निकल जाए तो लाश ही कहते हैं। उस लाश के बारे में डिस्कस करने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। चलते हैं लाश के रूम में। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल मौजरी। आम लोगों के लिए कुछ और है, लेकिन डॉक्टर का जीवन कुछ और है। जनरली सभी लोग भूत प्रेत आत्मा पिशाच से बहुत ज्यादा ही डरते हैं, लेकिन मरने से ही सभी लोग डरते तो इतने लोग मरते क्या? हम इसे लाश नहीं समझेंगे, जस्ट वेजिटेबल की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब जैसे हमारे घर में सब्जी है, इसमें हमारी तरह जान थी, हमारी तरह ये भी चला करता था। हमें यह भुलाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों लोग दिल के बारे में कहानियाँ लिखते हैं, पता नहीं क्यों प्यार की कहानियाँ सभी मेडिकल कॉलेज में ज्यादा होती हैं। ए पागल दिल, छोटा दिल, आवारा दिल, इस तरह की कितनी फिल्में बनी हैं। कहाँ है तुम्हारा दिल, कहाँ है तुम्हारा दिल, दिखाओ दिखाओ। नो नो दिल, नो भूत, नो प्रेत आत्मा, नो पिशाच, ये सब नॉनसेंस है। अरे नंदिनी, तुम हो क्या? मैं ही। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब भी आपने यही कहा था। अब भी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल कार्बन कॉपी है। वेरी गुड सर। वैसे आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगता है तो आप इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? सर, डॉक्टर भी इंसान होते हैं और उनमें भी फीलिंग्स होती हैं और होनी भी चाहिए। सर, वकील साहब कब आएंगे? वकील साहब जब आपके केस की स्टडी करेंगे तभी तो आप केस से बाहर आएंगे ना, तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? हमें और भी काम होते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब तक क्यों नहीं आया और कहाँ गए? लोगों की जान जोखिम में डालोगे ये अब मैं देखूंगी। मुझे वो काम आएगा तब होगा ना, मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, तुम तो देख रही हो। मुझे ये काम सीखते सीखते 2012 साल भी चला जाएगा और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक हमें इसी एरिया में माचिस की डिब्बी जैसे घर में रहना पड़ेगा। तुम यहाँ जितने भी साल रहो मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे? वही तो मेरे पास नहीं है। अरे मैं तुमसे नहीं मांग रही हूँ, वो जो वहाँ बाहर खड़े हैं ना, जो इतने बड़े बड़े आँख और कान लेके खड़े हैं, उस यमराज से पैसे लेकर मुझे दो, कंकाल खरीदना है। कंकाल किस लिए चाहिए तुम्हें? प्रैक्टिकल के लिए चाहिए, ऐसा कहकर उस इंसान से पैसे लेकर मुझे दो। ओके रवि, पापा ने रूम रेंट के लिए पैसे भेज दिए क्या? हाँ भेज दिए। ओके क्या हुआ शंकर? नंदिनी को पैसों की जरूरत है। किस लिए? उसे कंकाल खरीदना है प्रैक्टिकल के लिए। रवि सर, नंदिनी को पैसे चाहिए, अरेंज करो। ओके सर। शंकर,
नंदिनी रात से बहुत खांस रही है, बारिश में भीगने से हुआ है, तुम उसे ख्याल रखने के लिए कहो। ठीक है। अरे बाप रे, ड्यूटी का टाइम हो गया, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। ये क्या, किचन से जलने की बात आ रही है। अरे बाप रे, सब्जी जल गई। सब्जी जल गया होगा, तूने आज तक कभी मुझे अच्छा खाना खिलाया है क्या? तू सिर्फ बस में गियर डाल सकता है, खाना खिलाने काम नहीं आ सकता है। तुम्हारे पे भरोसा नहीं था इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। सुपर जय चिरंजीवी, फिल्मों के भगवान, असहाय के सहारा, अंजनी कुमार। बॉस, जिस तरह आप बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हो, उसी तरह मैं भी बस कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ू, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। ओ माय डियर मेगा स्टार। कहाँ जाना भाई? चेक पोस्ट। ओ चेक पोस्ट, कम ऑन कम ऑन। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते, ना चढ़ने देते ना चलने देते, मैं तो थक गई बाबा। ये क्या है? बुट्टा है। आप पता है, मेरे सर पे लाके रख दो, इसको यहाँ से उठाओ, मैं गियर कैसे डालूंगा? अरे गियर बाद में डाल देना, पहले बस तो चला। मैं गियर कल डालूंगा तो परसों घर पहुँचोगी। हटाओ। अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग आते इंजीनियर। अरे नहीं डॉक्टर, मैं तो खुशी से झूम उठाऊ ना, कितनी बार समझा चुका हूँ ऐसा मजाक मेरे साथ मत किया करो, सडनली मेरा दिल रुक जाता तो फिर से चालू करवा के तुम्हारी जान बचा लेती। ए, उठो, 8 बज गए, कुंभकर्ण। शंकर, वो बस स्टॉप पे कुछ टपोरी लड़के मुझे छेड़ रहे थे, अब उनको झेलना मेरे बस का नहीं है, तुम हीरो की तरह आकर मुझे बचा लो। ये बात तुम इतनी देर बाद बता रही हो, चलो जल्दी से। क्या कर रही हो? उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें रुलाने की? हीरो, तुम्हें मुझे बचाना है, इसके लिए मुंह धोने की क्या जरूरत है? अब दिखाता हूँ उन लोगों को मैं, ये उनके लिए काफी है ना? या एक एक को मार मार के भूता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम शंकर नहीं। ये एक जमाने में 10-10 लड़कियां मेरे पीछे भागती थी। क्यों, मारने के लिए? कहाँ पर है? शंकर, वो जो टपोरी थे ना, यहीं पर है? यही है, देखो कैसे स्टाइल से पैर पे पैर रखकर बैठे हैं। यही लोग हैं। हाय डार्लिंग। हाय डार्लिंग। शंकर, मीट मिस्टर सुरेश। हाय। महेश। हाय। नरेश। हाय। हरीश। हाय। एंड गिरीश। हाय। नंदिनी, इन सभी के नाम श से क्यों एंड हो रहे हैं? 1940 से पहले इनके नाम में श लगा था, वो भी तुम्हारे पैदा होने से पहले। सुरेश, प्लीज गेट अप। या। ए शु, गेट अप, चलो। ओके। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम पांचों लोग टपोरी हो और इस लड़की को छेड़ रहे हो, ये क्या पता है? हॉकी स्टिक, एक लगाऊंगा तो खटिया खड़ी हो जाएगी, दैट्स ऑल। हम लोग टपोरी हैं? यस। अच्छा समझा, असली गुंडों को हम लोग नहीं झेल पा रहे हैं इसलिए दूसरा बस स्टॉप ढूंढ रहे हैं, है ना डार्लिंग? शंकर, तुम मेरे हाथों से फूल होने के लिए पैदा हुए हो और इसके लिए मुझे 1 अप्रैल की भी जरूरत नहीं है। आ गई है मेरी बस, आ गई है। बाय डार्लिंग। बाय डार्लिंग। बाय। तुम्हें घुमा रही है। बाय शंकर। बाय बाय। ये क्यों बेटा, माउथ ऑर्गन बजाना आता है क्या? आता है, तभी तो लेके घूम रहा हूँ। दिखने में तो राजेश खन्ना दिख रहे हो, वहाँ बैठ के बजाओ बेटा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। वाह, क्या बजा रहे हो बेटा, इसके नाम पे दे दो बाबा। बजा रहा है, इसके नाम पे दे दो बाबा। दे दो बाबा, दे दो बाबा। बढ़िया। क्या बजा रहे हो बेटा, तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो। बहुत अच्छा बजाया बेटा, तुम्हारी लाइफ में डिंपल कपड़ी आएगी। बजाओ बेटा बजाओ। बहुत बढ़िया बजाता है। क्या डिंपल कपाड़िया ने भीख दे दी? बेकार में बस स्टॉप पे आ गया, दूसरा ढूंढना पड़ेगा। अरे वो भिखारी नहीं है वो। रूप की तो रानी तो सुंदरता, देखा तूने मुझको जब मन ठग लिया, ना तुम सा कोई होगा, ना होगा ना होगा, तेरी अदा ओ रानी दिल में जगाए प्रेम सा। Thank you.
बाबा मैं सब लोग जल्दी नीचे उतर अरे 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 ये क्या रोड पे मियाँ बीवी की तरह सब लेटे हुए हैं अरे बस में बम है यार बम है बम कहाँ है चल चल के दिखा कहाँ पे रखा है चल कहाँ है बम ये लड़की तो क्यों चिपकी है चल छोड़ चल चल बता कहाँ है बम अरे यही कहीं बम है देख बम के सिग्नल की आवाज आ रही है अरे बच जा यार तू भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा मेरी बात सुन अरे तेरी बात तो सुन बच जाएगा मुझे भी मरवाएगा अरे अरे ये तो पेजर है साउंड सुन के पता चल गया था बेचारे कितनी मेहनत करके आए हैं आराम से सो रहे हैं इसमें मैसेज क्या है पढ़ आते समय रास्ते में से आधा किलो प्याज दो किलो बटाटा और इमली लाना मत भूलना तुम्हारी प्यारी पत्नी क्या इमली चाहिए दाल नहीं चाहिए ए उठो रे उठो उठो जल्दी कर ले जल्दी पैसे निकाल सॉरी शंकर 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 चलिए उतर जाइए उतर जाइए उतरने वाले उतर जाइए और चलने वाले चढ़ जाइए अरे शंकर तू अरे शंकर अरे लिंगम तू अरे शंकर तुझे देखे हुए कितने साल हो गए हैं अरे ड्राइवर ये अपने गांव का ही है हाय हाय अरे तू यहाँ पे कंडक्टर की जॉब कर रहा है क्या करूँ यार मैं कलेक्टर बनना चाहता था पिताजी आंखों का डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन मैं कंडक्टर बन गया और वैसे भी मेरी माँ ने बीएसटी बस में पैदा किया शायद इसलिए मेरा नसीब बदल गया चल बस में बात करते हैं नहीं नहीं यार मैं दूसरे बस में आता हूँ क्या दूसरे बस में आएगा इसका मतलब लेडीज बस में आएगा अच्छा डेवलप हो गया है तू ए कंडक्टर हाँ शांति कैसी हो मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो मैं ठीक हूँ ये लो चॉकलेट ये मेरा दोस्त है ख्याल रखना ठीक है ठीक है लेडीज कांस्टेबल है जरा संभल के रहना हाँ ठीक है चलो रे राइट राइट चलो तुम उस तरफ मत देखो अगर गलती से देख भी लिया तो वो सोचेंगे कि उनसे प्यार करती हूँ रास्कल्स आहा क्या आंखें हैं पता नहीं क्या हो जाएगा अगर कूलिंग ग्लास नहीं लगाया तो ओ बाय बेबी बाय बाय ये दिल तुझको चाहे ये मन तुझे मांगे अब तुझको देखे बिना ये मन ना माने तू है इस दिल का चैना लड़ गए अब ये नैना तुझसे है दिल का संगम तू ही मेरा हमदम बोल तो मैं बोलूं कैसे बोलूं बातें दिल की मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे बताने से पहले मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बताऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी मैं सच कह रहा हूँ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ये आई लव यू जाओ चलो अरे चलो 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 अरे शंकर क्या हुआ तूने कभी देवी को देखा है मैंने देखा है मुझे नंदू से पर्सनली बात करनी है चलो जाओ यहाँ से नंदू मैं रोज बस स्टॉप पर एक लड़की को देखता हूँ उसके बाद क्या कुछ लड़कियों को देखकर जीने का मन करता है और कुछ लड़कियों को देखकर जान देने का मन करता है तो उस लड़की को देखकर तुम्हें जीने का मन कर रहा है या मरने का प्यार करने का मन करता है वैसे वो लकी गर्ल है कौन उसका तो नाम ही नहीं पता है नंदू स्टूपिड ये टाइम पास लव है या बस पास लव लाइफ लॉन्ग लव नंदू वो बस मेरे लिए ही दुनिया में आई है नंदू तुम्हें एक बात पता है क्या
भगवान कभी कभी सिचुएशन बनाता है। इतने दिनों तक उस लड़की को मेरे पास आने नहीं दिया। अगर उस दिन तुम सुबह सुबह मेरी नींद खराब करके मुझे बस स्टॉप पर नहीं ले जाती तो शायद मैं उस लड़की को देख नहीं पाता। तो फिर थैंक्स मुझे बोलो। थैंक यू नंदू नंदू थैंक यू वेरी मच आई लव यू। ए भाई कोई पार्टी लेकर आने वाले थे ना तुम, कहाँ है वो अब तक? सर हाँ? यही है वो पार्टी। आप ऊपर आइए सर। हाँ ये तो टेररिस्ट की तरह लग रहा है। पुलिस को फोन करूँ क्या? हेलो रॉन्ग नंबर। नहीं बेटे हा? इनका नाम परशुराम है। हा? बहुत अच्छे आदमी है, लेदर का व्यापार करते हैं। पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। क्या बोला? तुम्हारे हर महीने का भाड़ा ये पे करेंगे। लेकिन तुम्हें इनको अपने रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा। तू इधर आ, इधर ठीक है ना? ये लोग आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? बचपन से चड्डी फ्रेंड है। ओके तो ठीक है बेटे। ये क्या है भाई, हम दो को ही परेशानी होती है और तीसरा कैसे रहेगा? ये क्या लफड़ा है, यहाँ खाने का कुछ ठिकाना नहीं और चिकन बिरयानी का ऑर्डर दे रहे हो? सुन लो, यहाँ हम दोनों का रहने के लिए जगह नहीं है, तुम्हें कहाँ से रखेंगे? हम दोनों एक साथ ही बाथरूम में नहाते हैं, एक ही टॉवल से पोछते हैं, एक ही साबुन से दोनों नहाते हैं और दोनों एक ही साथ सोते हैं। तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कहीं और जाओ। टेक दिस गिफ्ट है फॉरन का साबुन। अरे क्यों नहीं रखेगा, ये आदमी कितना डिसेंट लग रहा है, इसकी टोपी कितनी अच्छी है। तू हाँ बोले या ना बोले यहीं रहेगा। सर हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, टेंशन मत लीजिए। अरे विजल साहब का सामान लेकर कमरे में रख दे। ओके सामान मैं लेकर आऊं? हाँ आइए सर, संभाल के आइएगा। अरे आपके तो दोनों ही पैर शुभ है सर, क्या बात है, कोई भी पैर आगे बढ़ा के अंदर आइए सर। अरे क्या बात है सर। हमारा कमरा कैसा लगा? फर्स्ट क्लास। लेकिन यहाँ रहने वाले लो क्लास है। ए सामान ला। ए ये किसका सामान है? मेरा। तेरा? ये ले। ये तेरा सामान बहुत है, इसके लिए एक बड़ा सा टेबल लगा, चोर बाजार में बेचेगा तो चार आने नहीं आएंगे। सामान तो इसको बोलते हैं, देख कितना डिसेंट है, लो क्लास कहीं का। सर आपको लोअर चलेगा कि अपर चलेगा? लोअर। मुंह बंद कर, आप लेटिए सर। ये किसका? मेरा है। ये ले, बाहर निकल, बाहर जाके सो जा, आप आराम से लेटिए सर। ए तुमने मुझे आज बेइज्जत किया है, तुझे कीड़े पड़ेंगे। ए तेरा सब कुछ बेच कर निकल जाएगा और तू रोड पर आ जाएगा। सुनिए सर, तू मुझे इंसल्ट करेगा? इंसल्ट? तू मेरा इंसल्ट करेगा? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चुप रह। मेरा मन तेरा मन होगा, जुड़ेगा ये बंधन, अर जीऊ न तेरे बिन। दिल में जो भी है वो अब आंखों से तू पढ़ ले, मेरे दिल की भाषा अपने दिल से तू सुन ले। तुम्हारा इंतजार करते करते लेडीज बस मिस करनी पड़ी, रुकते हैं बोला तो जनरल बस में लेकर आ गई। छी 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 छी, गर्मी से जान निकली जा रही है। दीदी आज से हम लोग रोज इसी बस में आया करेंगे, लेडीज बस में बहुत तकलीफ होती है। लेडीज बस में तकलीफ तो होगी ही ना, क्योंकि मैं वहाँ कंडक्टर नहीं हूँ। इस बस में अच्छी सुविधा है। जय अंजनी कुमार। अच्छा एक बात तो बता। हाँ बोल। तुमने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की ना? की तो। दामाद कैसा है? अरे उसकी बात ही मत पूछो, दिखने में एकदम हीरो जैसा लगता है। ये अपना हीरो खड़ा है इसके जैसा दिखता है, इसके जैसी नाक है, इसके जैसी आंखें हैं, ऐसे ही गाल है, दिखने में इतना ही सुंदर और खूबसूरत है। तो तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखता है क्या? अपना ख्याल नहीं रख पाता, मेरी बेटी का ख्याल कहाँ से रखेगा? इसका मतलब तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रखता? क्या ख्याल रखेगा, अरे सुबह उठते ही पीने चला जाता है। अरे आजकल कौन नहीं पीता रे, मेरा पति तो सुबह उठते ही पेड़ पर चढ़ जाता है ताड़ी पीने के लिए। मतलब तेरी बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता क्या?
क्यों री, कब से बोल रही हूँ तेरी समझ में नहीं आता क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? इसके जैसे दिखता है बोला, इतना ही नहीं वो शराब पीता है और औरत के साथ भी रहता है वो। अरे इसको क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हारी बेटी की जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? अरे तू जाके अपने दामाद से पूछती क्यों नहीं है? पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। क्यों नहीं पूछूंगी? ए, तू ऐसा क्यों करता है रे? अरे मेरी बेटी में ऐसे क्या कमी थी जो दूसरी औरत के साथ रहने लगा है? अरे मेरी बेटी में ऐसी क्या कमी थी बता, खूबसूरत नहीं है क्या मेरी बेटी? अरे दूसरी औरतों के साथ संबंध रख रहा है, बेड दिया, टीवी दिया, फ्रिज दिया, फिर भी तू ऐसा करता है? हां दिया, पैसे दिया, तू भी तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू क्या आगे कहेगा? क्यों चल रही हो? रुको, अरे रुको रुको, क्या हो रहा है यहां पर? क्या बताओ कंडक्टर साहब, इसका दामाद रोज दारू पी के आता है, इसको बेटी को बहुत मारता है और दूसरी औरतों के पास जाता है। क्या है? अरे साहब ये नहीं, सेम इसकी तरह दिखने वाला कमीना इसका दामाद। क्यों रे, तूने राम और श्याम पिक्चर नहीं देखी क्या? हाँ देखी है। उसमें जो डबल रोल किया है ना दिलीप कुमार ने, सेम उसी की तरह खतरनाक दिखता है मेरा दामाद, एकदम इसी की तरह। तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह दिखती है क्या? मेरी बेटी मेरी जैसी नहीं तो तेरी जैसी दिखेगी क्या? मेरी तरह खूबसूरत है, सेम टू सेम जेरॉक्स कॉपी दिखती है। अगर ऐसा फेस है तो दामाद दूसरी औरत की तरफ देखेगा ही। क्या बोला रे, तेरा सत्यानाश हो, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं। मेरा दामाद किसी के भी साथ रहे, इससे तुझे क्या लेना देना? बस मिस नहीं करोगी तो टाइम पर ऑफिस आओगी, रात में कॉल्स कम करो और काम पर ध्यान दो, अगर दोबारा हुआ तो तुम लोगों को डिसमिस कर दूंगी। सॉरी मैडम, बी केयरफुल। नंदो नंदो प्लीज। शंकर, क्या वो लड़की तुम्हें सच में प्यार करती है? तुम्हारे हम से कुछ नहीं होगा, वो लड़की हम या हम कहेगी ये जानना जरूरी है। वो कैसे? कुछ भी नहीं पता, भोले हो भोले, इसके लिए भी आइडिया मुझे देना होगा। आइडिया? बोलो बोलो। तुम्हारी रोमांटिक बस 47C कहाँ से निकलती है? कंट्रोल मेट बस स्टॉप से। किस टाइम पे? सुबह सुबह 8:15। 8:15, बहुत अच्छा। यस, वेरी गुड, अच्छी तरह पता किया है। अब हम दोनों कंट्रोल मेट बस डिपो से उस बस में चढ़ेंगे। चढ़कर बैठ जाएंगे। स्टूपिड, वहाँ पर बैठने के लिए नहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती। मौका मिलते ही तुम तो शुरू हो जाती हो। अच्छा ठीक है बोलो। अभी कंट्रोल मेट बस डिपो से बस निकलने वाली है। निकल गई, निकल गई। वो देखो पैराडाइज बस स्टॉप आ रहा है। आ गया आ गया। वो लड़की बस में चढ़ गई। वो लड़की नहीं चढ़ेगी तो कौन चढ़ेगी? इसी बीच तो बस फुल हो जाएगी ना। तो तुम क्या करोगी? तुम्हारी आंखें देखकर डर लगता है। गुड, उस लड़की को तुम मत दिखना, ये बहुत जरूरी है। तो बुर्का पहनकर खड़ा हो जाऊं क्या? नहीं, छिप कर खड़ा होना होगा। और वहीं से तुम मुझे ये बताना मत भूलना कि वो लड़की कौन है। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। वो देखो नेकलेस रोड बस स्टॉप आ गया है। आ गया आ गया। बस रुक गई है, लेकिन तुम बस से बिल्कुल मत उतरना। लेकिन मैं बस से उतरूंगा क्यों नहीं? बुद्धू, तुम्हें बस के अंदर रहना है ना? ओ, बस के अंदर ही रहना है। यस। इस बीच अगर उस लड़की को तुमसे प्यार होगा तो बस रुकते ही जिराफ की तरह मुंडी निकाल के ऐसे ऐसे करके देखेगी, और फिर वो डरी हुई सहमी सी लड़की के मन में अलग अलग तरह के भयानक भयानक ख्याल आएंगे। हाँ, और फिर अगर वो तुम्हें ढूंढेगी तो वो तुमसे प्यार करती है, और अगर उस लड़की को तुम बस स्टॉप पे नहीं दिखोगे तो वो रुमाल से ऐसे ऐसे आंसू पोंछेगी। हेलो, तू मत सोच रहे हो तुम ये सब, अगर उस लड़की को तुमसे सच्चा प्यार होगा तभी ये सब होगा, नहीं तो वो अपने बाल सवारते हुए नाखून साफ करते हुए बैठी रहेगी। नंदू, तुम इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकती क्या? अगर आदमी बीमार हो तो उसके लिए डॉक्टर है, और आगे सब कुछ भगवान के हाथ में है। हेलो, इधर देखो, तुम अगर इसको इस तरह से फेंक दोगे तो गिरकर टूट जाएगा। अरे ये, लेकिन हमारा दिल इस तरह से गिरकर टूट के बिखरना नहीं चाहिए। और समझ लो अगर टूट भी गया तो इस तरह से उठाकर इसे डस्टबिन में डालकर हाथ साफ करना चाहिए। वो लड़की मुझे जरूर ढूंढेगी। ठीक है, संभल कर, नहीं तो वो रॉड सिर पर लगेगी। संभल कर, ठीक से पकड़ो। तुम बराबर से पकड़ो। हाँ, मैंने ठीक से पकड़ा हुआ है। अरे शंकर, तू यहाँ? अरे ये क्या, तू अपने बस स्टॉप पे चढ़ने के बजाय इतनी दूर चल के आया? ए लिंगम, मैं इस बस में चढ़ाऊँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसको पता नहीं चलना चाहिए? पता है, पेजल लड़की को पता नहीं चलना चाहिए। पेजल लड़की मतलब? पेजल लड़की छोटी लड़की है और मोबाइल लिंक कंपनी में काम करती है। उस लड़की का नाम क्या है? नाम 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 नहीं पता है। वो लड़की दूसरी लड़की के साथ में चढ़ती है और उसको ये दीदी दीदी कह के बात करती रहती है। तुम लोगों को उतरने से पहले मैं नाम पता करके बता दूंगा। थैंक्स किस लिए? पैसे दे दो। ए गियर डाल, हाथ चला।
ए नंदू, यही मेरा वो लवर स्टॉप है, नॉन स्टॉप लव स्टॉप। टिकट टिकट टिकट। टिकट 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 टिकट। लिंगम, उसका नाम पता कर। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। ओ भाई टिकट बोलो भाई। ये टिकट लिया क्या? हाँ भाई लिया है। टिकट टिकट टिकट। अरे चश्मे वाले भाई, तुम्हारा नाम क्या है? आरोग्य। क्या? आरोग्य। आरोग्य, लेकिन लगता तो नहीं है। ये क्या उस लड़की को धक्का मारता है? ए, तेरा नाम क्या है? आनंद। आनंद नॉर्मली नहीं बोल सकता है। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? श्रीदेवी। हाँ श्रीदेवी। क्या श्रीदेवी? श्रीदेवी। ओह अच्छा, इसने सौंदर्य नहीं बोला। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ही नहीं रखा। ओहो बेचारी, क्यों क्या हुआ? चिल्लर मांगने वाले कंडक्टर से नाम रखवाना था ना, इसलिए। ओह अच्छा, तो फिर जिंदगी भर तुम्हारे माँ बाप नाम नहीं रख सकते। ठीक है जाकर अपना काम करो। ठीक है। देखो ओ चश्मे आदमी ने टिकट नहीं खरीदा है। सबके ऑफिस का टाइम एक है ना, इसलिए बस में भीड़ होती है। देखो इकम्मा, इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं इकम्मा। कुछ नहीं दीदी। और सुनो इकम्मा, गाय की दूध में काफी ताकत होती है, उसे पीना चाहिए। तुम्हें पता है अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश? इकम्मा तुम सुन रही हो ना? ए नंदू, मैं जिस बस स्टॉप पर रोज खड़ा होता हूँ ना, वो बस स्टॉप आने ही वाला है। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है यार। मेरा दिल जोर जोर से ढप ढप कर रहा है। वो मुझे ढूंढेगी कि नहीं, ये सोचकर मैं डर रहा हूँ यार। हर चीज में तुम्हें टेंशन होती है। अरे पहले देखते हैं वो तुम्हें ढूंढती है या नहीं। स्टूपिड। ओके तो देख रहा हूँ, देख देखो अभी तक ढूंढ ही रही है। लिंगम प्लीज यार। अच्छा प्लीज। अच्छे हो ना, खाना खाया कि नहीं? बैगन खाना अच्छी बात होती है भाई। बैगन का भरता बना सकते हो, बैगन की भाजी बना सकते हो, बैगन को कच्चा भी खा सकते हैं, उबाल के भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। इस बस में अच्छे लोग हैं। बस में तो गुलाब की महक आ रही है। वाह बहुत अच्छा है, आनंद लो। अरे बाप रे बाप विशल, नसीब हो तो तेरे जैसा यार। मेड इन इटली की घड़ी परशुराम जी ने तेरे लिए गिफ्ट दिया है, ये ले रख ले। कौन हो भिखारी? अगर मैं उसका वॉच पहनूंगा तो लगेगा कीड़े रेंग रहे हैं। उसकी वॉच दे दो। ए, ज्यादा जोर से मत बोल, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? वो बहुत बड़ा पीपी है क्या? हा? लाइट ऑफ कर और मुझे सोने दे यार। ए, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। क्या? इसको जरा नींद में बोलने की आदत है ना, इसीलिए बड़बड़ा रहा है। आप लिखिए सर, आप लिखिए। तू ये पहनेगा? मुझे नहीं चाहिए। मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम इस दुनिया में हो ही नहीं। बस स्टॉप पे भी देखती रहती हो, बस में भी निहारती रहती हूँ। तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? क्या मैं ढूंढने में मदद कर सकती हूँ? ऐसी कोई बात नहीं, तू किसी का इंतजार कर रही है क्या? ये मेरा इंतजार कर रही है दीदी? तुम साइड में खड़ी होकर पापड़ सुखाओ, मैं इस पापड़ को सेट करता हूँ। मैं तो इस लड़की को कुछ और ही समझ रहा था। दूर से देखा तो लगा लड़की छोटी है, पर पास आकर देखा तो चार मीनार की जैसी लंबी है। ऐसा नहीं है, चार मीनार ब्रांड की हील्स पहनी है। अगर इसने निकाली ना तो तेरा गाल लाल हो जाएगा। अरे रे 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 दीदी, तुम अच्छा जोक कर लेती हो, अब तो मुझे हंसना होगा ना। दीदी मेरा नाम दास है, मैं तुम्हारा प्रेम दास हूँ। मैं कितने दिनों से तुम्हें बस में चढ़कर फॉलो कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी सूरत देखने के लिए रिस्क लेकर फुटबोर्ड पर भी चढ़कर लटका हूँ। क्या तुमने कभी देखा नहीं? वो कभी किसी को नहीं देखती। क्या ये किसी को देखती नहीं है दीदी? तो फिर ये माउथ ऑर्गन बजाने वाले को क्यों देखती है दीदी? माउथ ऑर्गन बजाना उस विलन को ही नहीं, मुझे हीरो को भी आता है। देखो मुझे भी बजाना आता है, बजा के दिखाऊं क्या? ए, जब दो लवर्स बात कर रहे हो तो तू क्यों सुन रहा है? आपने मुझे क्यों मारा? कल आना बताता हूँ। आज मैं सीरियसली वार्न करता हूँ,
आज के बाद तुम उस जोकर को नहीं देखोगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज से तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, बोलो ना तुम मेरी हो, बोलो ना तुम मेरी हो, मेरी हो, तुम मेरी हो, बोलो ना मेरी हो, तुम बोलो ना एक बार तुम मेरी हो, मेरी हो तुम, तुम मेरी हो, बोलो ना, बोलो ना, चलो सही, चलो, अरे बोलो ना एक बार तुम मेरी हो, हाँ तुम मेरी हो, ऑटो, जल्दी से जुबली है, चलो, रुक जाओ, हे, तुम मेरी हो, जल्दी से हाँ बोलो, तुम मेरी हो, भैया बोलो, चलो, मैं तुम्हें 10 रुपए ज्यादा दूंगी, जल्दी चलो। जा रही हो, जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला, कल फिर इसी 47 सी बस स्टॉप भी यहीं पे, और यहाँ पर तुम्हारा हीरो, बाय। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका रे, ओए ढिंका। कौन है बे तू? विलन हूँ बे। विलन है क्या? और मैं हीरो हूँ, रूल के हिसाब से यहाँ फाइट होनी चाहिए, रेडी हो, रेडी टू टेक। अभी तक तो मेरे पिताजी को जॉब नहीं मिला है, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? जब रोज रोज ऑफिसों के चक्कर लगाकर थक गया तो लड़कियों के पीछे लग गया गुरु, what to do? I see. तो दोनों ने पढ़ाई की है और दोनों भी जॉब की तलाश में हैं। ठीक कहा, दोनों स्मार्ट हैं और दोनों माउथ ऑर्गन बजाते हैं। अगर ऐसा है तो एक लड़की के लिए चिपली रोड पे मारपीट करना अच्छा लगता है क्या? छी छी छी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो, उस लड़की ने तुम्हें कभी नहीं देखा फिर भी तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, और वो लड़की मुझे रोज देखती है, और उस लड़की को तुम अगर छेड़ोगे तो मुझे कितना गुस्सा आएगा? ये सब छोड़ो, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। मतलब? मेरा नाम शंकर है, शिव शंकर। मेरा नाम दास है, रामदास। पहले मैं प्रेमदास था, लेकिन अब देवदास हूँ। ये देवदास प्रेमदास की अपने को जरूरत नहीं है, आज से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। शंकर, जेंटलमैन, माय डियरेस्ट फ्रेंड। अब आगे आगे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। मार डालूंगा, काट डालूंगा। ओके बाय। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे। आराम से हाथ ना कट जाए। बहुत खून बह रहा है। नंदू, थोड़ा तो केयरफुल रहना चाहिए, हर बात की तुम्हें जल्दी रहती है, देखा कितना खून बह रहा है। देखा ना प्रकाश, एक ही खून है। हाँ, एक ही खून है। एक ही खून है, ऐसा कह रहे जैसे बहुत बड़ी बात है। शंकर, खून का भी एक ग्रुप होता है, उनसे पूछो उनका कौन सा ग्रुप है। बी पॉजिटिव और मेरा बी नेगेटिव। ये आदमी एक ही खून कहकर मेरे खून में अपने खून का एक भी बूंद चढ़ा देगा ना तो मैं फिनिश, पता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, हम दोनों भाई बहन हैं, हमारे खून के रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। वो मेरी माँ से पैदा नहीं हुए हैं। सही है,
लेकिन पिताजी एक है। किसको पता? नंदो। जाने दो शंकर, नंदिनी कुछ भी बोले लेकिन है तो मेरी ही बहन। शंकर तुम्हें पता है मेरी माँ को बच्चा नहीं हो रहा था तो मेरे पापा ने इनकी माँ को रख लिया, तो सोचो मेरे जन्म लेने तक मेरी माँ किस तरह के नरक में रही होगी। वो मेरी गलती नहीं थी। मतलब मेरे पापा की ही गलती है ना? तो मेरे पापा ने एक और गलती की है शंकर, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं प्रकाश जी के अंडर में रहूंगी और मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी इनके गार्डियंस में रहेगी। नंदो देखो नंदिनी, हम दोनों भाई बहन हैं ये सारी दुनिया को पता है, और पिताजी की विल में भी वही है, कानून के हिसाब से तो ना सही लेकिन एक भाई की हैसियत से एक दिन तुम मुझे भाई कहकर पुकारोगी। नो, विदाउट परमिशन तुम ये सपना भी नहीं देख सकते। शंकर इसे कह दो। शंकर तुम मेरे घर पे किराएदार हो, ये तुम पर जितना हक जताती है उसमें से 1% भी मुझ पर जताती तो मैं खुश हो जाता। हाँ जताती हूँ, क्योंकि तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो, तो तुम पर नहीं जताऊंगी तो किस पर जताऊंगी, और किसके साथ कितना हक जताना है ये मुझे पता है। ठीक से सुन लो, समझ में आ गया? खून के रिश्ते की दुहाई देने पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। नंदू ये क्या? हाँ। अरे विशल सो गया क्या? क्या है, सोने वाले को उठाकर सो गया पूछता है? ऐसा नहीं है रे। हाँ। बेचारे परशुराम जी दिन भर ऑफिस में काम करते हैं। हाँ। और यहाँ रात भर बैठ के लिखते रहते हैं, उनके बारे में तेरा क्या विचार? तो सोचने की क्या बात है, उसको नींद में लिखने की आदत होगी, उसको डॉक्टर को दिखा। क्या चल रहा है वहाँ पर? कुछ नहीं सर, रात में इसे एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। चुपचाप सो जा। शंकर तुम यहाँ हो? हाँ यहाँ पर हूँ, कपड़े सुखा रहा हूँ। अभी एक कुरियर वाला आया था और तुम्हारे नाम का पार्सल देकर चला गया, देख लो तुम्हारे जॉब के बारे में होगा। दिखाओ जल्दी दिखाओ। ये तो मेरे पिताजी का कुरियर है। तुम्हारे पिताजी कोरिया कब गए थे? अरे बेवकूफ लड़की, मेरे पिताजी ने कोरिया से नहीं, ये कैसेट कुरियर से भेजा है। अब चुप चुप चलो यहाँ से। ए भाई आंखें बंद करके वहाँ क्या देख रहे हो? मेरा वीडियो बराबर आएगा ना? बराबर आएगा सर। मैं बात कर सकता हूँ ना? हाँ बात कर सकते हैं। अरे गधे, उस पंचायत समिति के प्रेसिडेंट की बेटी की शादी में इसी ने वीडियो निकाला था। हाँ मैंने देखा, इसने अच्छा निकाला है और इसीलिए मैंने इसको बुलाया है। सुनो अपने बेटे से बात करो। मेरा बेटा कहाँ है जी? अरे बेवकूफ औरत, वो कैमरा ही तुम्हारा बेटा है, उधर देख के बात करो, समझो बेटे से ही बात कर रही हो। शंकर कैसे हो बेटा? मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है बेटा। हाँ हाँ हाँ, इतना इमोशनल तुम मत हो। ए चुप तू जा। जब देखो भगवान 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 करके घुटने के बल गिरी रहती थी, भगवान ने क्या दिया? बिग हार्ट प्रॉब्लम दिया। अभी भगवान कौन है? इस हॉस्पिटल के डॉक्टर। इस बीमारी से कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो बिल आएगा तो मुझे दर्द होगा, ये मुझे पता है, इसलिए ऑपरेशन के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। ये बातें अपनी माँ को बोल दे, तभी इसके दिल को शांति मिलेगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख नेक्स्ट वीक में फिक्स की है। और हाँ, हैदराबाद से तेरे लिए एक रिश्ता आया है, लड़की अच्छी है और तुम्हारी कुंडली भी मिल गई है। उस लड़की से मिलने के बाद और रिश्ता तय होने के बाद ही तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होगा। सुन लिया ना, कल हमारे आने के बाद तुम चलने के लिए तैयार रहना। हाँ हाँ, मैंने अपने बेटे से बात कर लिया है। कैमरा बंद कर, कैश लो और कैसेट दे दो। इतने दिनों तक डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, दवाई से ये काम चल जाएगा, अगर माँ को कुछ हो गया तो। शंकर ये क्या है? तुम्हारी माँ का प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड केस होगा, इसीलिए ऑपरेशन के लिए कह रहे होंगे। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा तो वो जिंदगी भर ठीक रह पाएंगी, डॉक्टर होने के नाते मैं कह रही हूँ ना, मेरी गारंटी। डोंट वरी, वो सब तो ठीक है शंकर, लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी किसी और लड़की के साथ कर रहे हैं और तुम जिससे प्यार करते हो उसका तुम्हें नाम तक नहीं पता। मैं पता करूंगा, उस लड़की का नाम उसी के मुँह से पता करूंगा। जैसे बस का नंबर जाने बिना चढ़ना गलत है, उसी तरह लड़की का नाम जाने बगैर उससे प्यार करना भी गलत। क्या मतलब, लड़की का नाम जाने बिना उससे प्यार कर बैठे? हाँ वही तो कर बैठा है। अरे नहीं मेरे भाई, पहले उस लड़की का सही नाम जान लो उसके बाद प्यार करना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही फ्लैशबैक ले लो। अरे कितनी बार बताएगा तू? तुझे नहीं रे, इन्हें बता रहा हूँ। देखिए पहली बार मैं अपनी शादी की बात करने के लिए मेरी बीवी के घर गया, उसकी सुंदरता को देखकर मुझे लगा उसका नाम कामाक्षी है और मैंने लेटर लेकर उसको पोस्ट कर दिया। लेटर मिलने के दूसरे दिन ही उसके पिताजी भाड़े की साइकिल लेकर मेरे घर पर आए और बोले, क्यों रे मेरी बेटी का नाम मीनाक्षी और कामाक्षी के नाम से लेटर भेजा, इसका मतलब तेरा कामाक्षी के साथ चक्कर है। मेरी बॉडी के सारे पार्ट इधर उधर कर दिए, ऑन द स्पॉट मेरी शादी कैंसिल। अरे शंकर तू कितने सालों से
अपने इस माउथ ऑर्गन को बजा रहा है? 10 साल से बजा रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो अच्छा होगा। एक काम करो, आई लव यू लिखे स्टिकर को इस माउथ ऑर्गन पे चिपका कर उस लड़की को दे दो। तुमने जिस माउथ ऑर्गन को 10 सालों से अपने होठों से छुआ है, अगर वो इस माउथ ऑर्गन को अपने होठों से चुमती है तो तुरंत सामने जाकर पूछना, एक्सक्यूज मी व्हाट्स योर नेम, और वो अपना नाम बता देती है तो फिर तुम समझो तुम्हारा प्यार सक्सेस। तो फिर शिप में बैठ के गाना गाना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे बाप रे, तुझसे है दिल का संगम, तू है मेरा हमदम। बोल तो मैं बोलूं कैसे बोलूं बातें दिल की। चलो उतरने वाले, उतरो, तैयार हो जाओ उतरने के लिए। चलो वो बंद कर। बहन जी सभी आगे बढ़िए। हेलो मैडम, टिकट टिकट, ए टिकट लिया क्या? प्लीज साइड दो। ए सभी ने टिकट लिया क्या? ए चलो आगे बढ़ो प्लीज साइड। मैडम मैडम साइड। बाप रे बाप रे बाप रे बेनू। अरे परशुराम सर, आप ये लो स्पेक्स मेरी तरफ से गिफ्ट। हां मेड इन बेल्जियम। थैंक यू। ये लो पेन सेट, विसिल को दे देना। ठीक है। मेड इन चाइना। वैसे आप किस टॉप पर चढ़ गए? कहां चढ़ा था ये जरूरी नहीं है, कहां उतरना है ये इंपॉर्टेंट है। मुझे नेकलेस रोड के जंक्शन पे उतरना है, वहाँ कोई स्टॉप नहीं है, यही सोच रहा हूँ। आप जो टेंशन ले रहे हैं, ब्रेक तो मेरे पैर के नीचे है ना। आप बता दीजिए कहाँ उतरना है, मैं ब्रेक लगा दूंगा। ऐसा है? हाँ। तो यहीं पर रोक दो। हाँ तो उतर जाइए ना। अरे बस क्यों रोका? अरे हमारे बॉस उतर रहे थे। थैंक यू। बाय बाय। अच्छा अरे टाटा बोलता है, चढ़ते हुए तो नहीं बोला, उतरते हुए बोल रहा है। ए ड्राइव। मेरा माउथ ऑर्गन कहाँ है? अरे आपने देखा मेरा माउथ ऑर्गन? आपने देखा? अरे मेरे दीदी कहाँ गया मेरा माउथ ऑर्गन? दीदी मेरे पीछे बैग में नहीं है। ओह पीछे बैग में नहीं है। अरे मेरे बैंगल्स भी नहीं है। अरे रे ये क्या हो रहा है सर? बस रुको बस रुको, मेरे बैंगल्स चोरी हो गए, इसका पेजर भी नहीं है। अरे विशाल मेरा पर्स भी नहीं दिख रहा है यार। मेरा विशाल कहाँ है? मेरा विशाल कहाँ चला गया? अरे यार विशल, चाहे तो कुछ भी बोल, हमारे परशुराम जी बड़े लकी हैं। ओके से लाइटली बस में चढ़े और सेफली उतर गए। हाय फ्रेंड्स, यहाँ बैठा हूँ। संभल के। बीड़ी पीते हो ना? आज सिगरेट पियो, फॉरेन की सिगरेट है। अच्छा आ, बा, 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 क्या ढूंढ रहे हो? मैच बॉक्स लाइटर। हाँ। फॉरेन लाइटर से जलाओ। अरे वाह विशिल, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया, सोच रहे हो, लेकिन लाया हूँ। लाए हो? क्या लाए हो? ये इम्पोर्टेंट विशिल है, बिना बजाए ही बजता है। अरे शंकर यहाँ हो क्या? हेलो शंकर भैया। आजकल आप बहुत उदास दिखते हैं ना, आपको खुश करने के लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये तो मेरा माउथ ऑर्गन है। शुक्र है मिल गया। आप चाहे कुछ भी कहिए, आपसे अच्छा तो आपका माउथ ऑर्गन ही है, जो अकेले गया था और जोड़ी बनाकर वापस आया। ये देखिए, ये किसका हो सकता है? उस बस वाली लड़की का। ये तो बस वाली लड़की का है। तुम्हें कहाँ से मिला? कहाँ मिला, कैसे मिला, कैसे लेकर आया, ये सब हम लोग देख लेंगे। तुम जाओ और तुम अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाओ। जाइए भैया, अपने प्यार की गाड़ी चलाइए, हमारी ड्यूटी का टाइम हुआ, हम चलते हैं। ए ए क्या कर रहा है? जा कुछ जा, हाथ पैर टूटेगा तो मर जाएगा। चल इधर आ। चल चल टाटा बाय 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 बाय। ये पेजर जिस किसी को भी मिले, मोबिलिंग ऑफिस में आकर दे दे। पिंकी राजा, पिंकी राजा, ये नंदिनी कहाँ है? लाइब्रेरी में होंगी। थैंक यू नंदू। यस सॉरी सॉरी नंदू नंदू। हाँ पेजर वाली लड़की का नाम मालूम हो गया है।
उस लड़की का पेजर भी मेरे हाथ में आ गया है, देखा ना मैंने किस तरह पता कर लिया। ओह गॉड, थैंक यू वेरी मच। उसका नाम है पिंकी राजा। थैंक यू वेरी मच। नंदू, शंकर, उस लड़की का नाम पिंकी राजा है। पिंकी तो ठीक है, पर राजा कौन है? कौन हो सकता है? डेफिनेटली उसके हस्बैंड का नाम होगा। क्यों, पिता का नाम नहीं हो सकता क्या? शंकर, पिंकी राजा नाम बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। हाँ, ये जरूर लव मैरिज का मामला लग रहा है। अब तो मुझे टेंशन मत दो। देखो नंदू, पिंकी मतलब वो लड़की और राजा मतलब उसके पिता, पिंकी राजा। हेलो मैडम, आपसे कोई मिलने आए हैं। रुकने के लिए कहो, मैं आती हूँ। ओके मैडम। मैडम यहाँ पर क्या करती है? पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर। ओहो, सैलरी 5000 तक तो होगी। उससे 5 गुना ज्यादा है। ओ। कौन मिलने आए हैं रोजी? एक्सक्यूज मी सर, मैडम आई है। हाँ। यही है पिंकी राजा। आपको? क्यों, कोई और चाहिए? रोजी, रोजी। मुझे रोजी या सनफ्लावर नहीं चाहिए, मुझे पिंकी राजा चाहिए। मैं ही हूँ पिंकी राजा। ये पेजर मेरा है जो खो गया था। ये जरूर आपका नहीं हो सकता। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ऐसे ही कुछ आइडिया है? ये आइडिया छोड़ो, मैं हूँ पिंकी राजा, ये पेजर मेरा है, दे दो। वेरी थैंक्स। तभी मुझे लगा था कि ये पिंकी राजा नाम किसी बस स्टॉप पर लिखे हुए बेकार नाम जैसा है। ये नाम उनका नहीं हो सकता। किसका? ओहो, तो आपको इनका नाम जानना है। आपका नाम क्या है? मतलब आप मेरा नाम जाने बिना उनका नाम नहीं बताओगी? बताओगे तो भी उसका नाम नहीं बताऊंगी। वैसे भी हमारे मोबाइल लिंक में मैसेज भेजने वालों का नाम पूछा जाता है, हमें आप जैसे लोगों का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ से जाएंगे। हेलो, इधर से। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपका नाम? 47C। हेलो 47C, आराम से, वरना टायर फट जाएगा। हाँ मालूम है, आप जैसे 4 अगर चढ़ जाएंगे ना तो पूरा टायर पंचर हो जाएगा। दीदी, कौन है ये? वही 47C है, तुम्हारा खोया हुआ पेजर लेकर यहाँ पहुँचाने आया था। वैसे उसे देखते ही तुझे कुछ कुछ होने लगता है, कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगता है, सम केमिकल रिएक्शन। नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट को पैसेंजर। बस उतना ही ना? उतना ही, उतना ही। कैसा लगा दास मेरा रूम? सुपर्ब, तुम्हारे रूम में रोमांटिक मूड है, तुम्हारा रूममेट बन जाऊं? बिल्कुल नहीं। वाह, कौन है मिस वर्ल्ड? मेरी क्लोज फ्रेंड नंदू। बॉस, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। तू इसको खूबसूरत बोल रहा है? अबे तू सच बोल रहा है कि ऐसे ही फेंक रहा है? एनीवे, हाय। हाय। आपसे हम दोनों फ्रेंड्स, अगर तुम शंकर के फ्रेंड हो तो मेरे भी हो, मुझे तुम कुछ भी कहकर बुला सकते हो। नो 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 नो, मुझे भी गर्लफ्रेंड रास नहीं आती, बॉयज फ्रेंड्स के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शंकर के लिए अपने लवर को भी छोड़ दिया, बताया? नहीं तो? नहीं बताया। ओके, एनीवे, रास्ते में चलते चलते अपनी लव स्टोरी बता देना। चलो शंकर, मैं तुम्हारे फ्रेंड को लेकर जा रही हूँ। दास, अगर अगली बार घर पे आओ तो नॉक करके देख लेना कि ये घर पे भूतनी है या नहीं। अरे जल्दी जाओ नंदू, वो अपनी लव स्टोरी बताने के बजाय दोबारा ना लव कर बैठे। अरे ये तो अच्छे से सीख गई है। ए दास, बेस्ट ऑफ लक, मेड फॉर ईच अदर। नमस्ते सर। काफी दिनों बाद आए हैं, कैसे हैं आप? तू ही देख ले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सोकर हाथ में सलाइन लगाकर सारे रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखकर टेलीग्राम भेजा हूँ। भैंस के जैसा दिख रहा हूँ फिर भी पूछ रहा है कि कैसे हैं? ये कोई सवाल है? सर आप भी, इसमें तेरी गलती नहीं है भाई, आज का दिन ही मेरा खराब है। मैं इस शहर में दो काम से आया हूँ, एक अपने बेटे की शादी करवाने और दूसरा इसका ऑपरेशन करवाने। एक तो क्या कम था जो दूसरा आ गया, गाड़ी में चढ़ने से पहले हाथ पैर जोड़ कर खड़ा था और गाड़ी में बैठते ही इसके तेवर बदल गए, इसने पूरे शहर का चक्कर कटवा दिया। तो मैं क्या करूं? इधर पूरी सिटी फैल गई है, फिर भी मैं फास्ट ही लेके आया हूं। मीटर में 100 हुआ है, ऊपर से 25 दे दीजिए। 25 रुपया ज्यादा क्यों, मीटर के हिसाब से इतना ही होता है। बैठने से पहले ही बताया था, आप क्यों नाटक कर रहे हो? अरे मुझे उंगली दिखा रहा है? अरे लुंगी पहना हो तो क्या बेवकूफ समझ रहा है? ए, मैं अपने यहाँ का जमींदार हूँ, टाटा बिरला और मेरे में सिर्फ 1 एकड़ का फर्क है। माफ कीजिए सर, आप खुद ही देख कर दे दीजिए ना। देखा, ये लो 100 रुपए। फिर से 100 रुपए की बात कर रहे हो, ऊपर से 25 रुपए की बात हुई थी, बैठते समय सिर भी हिलाया था। हाँ, मेरा सिर है, मैं इसको हिलाऊंगा घुमाऊंगा कुछ भी करूंगा। अब तुमने समझ लिया कि मैंने तुम्हारे लिए हिलाया था, तुम्हारी गलती है। जी, आप महालक्ष्मी देवी जैसी है, आप ही समझाइए ना। ए, हम दोनों के बीच में लेडीज को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? सुनिए जी, इसने जितना बोला है उतना दे दीजिए ना। बोल रहा हूँ ना, ये लो 100 रुपए आपको और आपके पैसे को नमस्कार।
इस गाड़ी के फाइनेंसर को 100 रुपए ज्यादा दे दिया यही सोच लूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा 100 रुपया बच गया, मैं भी पागल नहीं हूँ। चल ले, ए, सामान अंदर लेकर आओ। अरे माँ, कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे? मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसी हो? नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? इसकी तबीयत इस जन्म में ठीक होना मुश्किल है। खाती है तो पेट में दर्द होता है, नहीं खाती है तो सीने में दर्द होता है। और तुम गांव आना ही छोड़ दिए, वहाँ पर तुम्हारी जमीन है, किसी ने जब्त कर लिया तो। आपके होते हुए मुझे टेंशन नहीं। इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। सुनो, तुम जितने भोले हो आज के किसान उतने भोले नहीं है। इतने चालाक है कि एक हाथ जमीन भी नहीं छोड़ते हैं। चल दे, ये लो तुम्हारे पैसे। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, पैसों के मामले में क्लियर रहना ही ठीक है। दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। ये लो उनके दिए हुए पैसे। नारायण सर, मुझे कोर्ट के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना। हाँ ठीक है, जाओ। चलता हूँ माँ जी। ये क्या, सोफा मिल गया तो आराम से बैठ गई। चलो अभी वो डॉक्टर बताएगा कि जिंदा रहोगी या मरोगी। चलो। नमस्ते परशुराम जी। सुबह सुबह उठकर हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और देर रात लौटते हैं। इस पेपर से ही हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जल्दी से पेपर पढ़ के बताइए। चलिए पढ़िए सर। पढ़िए ना सर, दुनिया में क्या हो रहा है आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। कायदे से पढ़ के सुनाइए ना सर। ये आप क्या पढ़ रहे हैं सर? क्या है इसमें पढ़ने के लायक? जो मिड डे पेपर में रोज छपता है वही लिखा हुआ है इसमें, और क्या? दिखा क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, बहुत बड़ा सियाणा है, और तुम इसको घर ले जाओगे? अभी तो मैं इसकी इसकी वाट लगा दूंगा। मैं छोड़ूंगा ना इस कमीने को, क्या जरूरत है लाने को, ऊपर पहुँचा दूंगा। अरे उसको छोड़। अरे ये क्या, अरे यार अपनी डायरी यही भूल कर चला गया। अगर इसे पढ़ना नहीं आता तो रात भर जाकर डायरी में क्या लिखता रहता है? 0009990099। अरे ये क्या है, 0009999। अरे ये क्या है, खाली शून्य लिखा है। अरे ये क्या है, इसने हमें धोखा दिया है रे, इसने हमें एकदम से उजाड़ दिया। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे 207। यस बॉस। इस आधे ब्लेड को मुंह में रख लेना। ठीक है बॉस। ये तुम्हारे रक्षा के लिए, समझ में आ गया ना? ठीक है ना? ओके बॉस। और तुम सब लोग भी। ये क्या गड़बड़ है, मैंने इसका नाम परशुराम सुनकर सोचा था कि महात्मा टाइप आदमी होगा, लेकिन ये परशुराम तो पिक पॉकेटर है यार। मैंने कहा था ना मामूली इंसान नहीं है। चल देख, तू मुझसे पंगा मत लेना, मैं तुमसे सीनियर हूँ। ओके चल निकल। बॉस बोल। औरतें तो यहाँ पर पर्स रखती है, फिर कैसे चोरी करे? तू कौन से ईयर में है? फर्स्ट ईयर बॉस। तेरी तो, इसीलिए तो तू इस सब्जेक्ट में इतना वीक है। हम अपने काम में ईमानदार हैं, लेडी कांस्टेबल की तरह, लेडी पैसेंजर के लिए लेडी पिक पॉकेटर्स हैं। वो देखो आ रही है पिक पॉकेटर्स रीटा। कॉन्ग्रेचुलेशन रीटा, लास्ट वीक में तुमने उस मार्केट में 50 तोले का सोना चोरी किया था। 50 तोले का सोना? अरे बाप रे। उस दिन तेरा शर्ट पहनकर तेरा गोल्ड चेन चुराने वाली यही होगी। आज से तुम्हारा मिशन होगा, लोकल ट्रेन में चलो, झिझिक झिझिक झिझिक, चलो जाओ रीटा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। यस बॉस। क्या रे चिंटू, तू लेट क्यों आया? आज का दिन बहुत अच्छा रहा गुरु। आते आते बोहनी हो गई। अबे ज्यादा वजन लगता है, सैलरी है क्या? नहीं बॉस। हाँ। मैं जब यहाँ आ रहा था ना, ब्रिज पे दो लोग खड़े गप्पे मार रहे थे, मैंने उनका पॉकेट मार लिया, उनको पता ही नहीं चला। अरे मेरा पर्स चला गया यार। मेरा भी पर्स चला गया। मेरे साम्राज्य का अगला वारिस तो ही होगा, इसको देखकर तुम लोग सीखो। जाओ जाओ जाओ। अब क्या करें यार? चुपचाप यहीं खड़े रहो। कितना मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन तुम उसे ले आ। तू इधर ही रुक, मैं अभी जाकर उसकी जेब से पैसे लेकर आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तू देख, इस कमीने को तो मैं पब्लिक प्लेस पे नहीं पिटवाया तो मेरा नाम नहीं। चलो। अरे नंदू, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? चलो तो सही, चलो ना। नंदू सुनो तो सही। चलो। अब बोलो। ओके रुको। आंटी, हाँ? आप टाइम पर दवाइयाँ ले रही हैं ना? हाँ बेटा ले रही हूँ। मतलब अब आपका बीपी कंट्रोल में आ गया है। माँ, लड़की वाले आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? तुम्हारे लिए बेटा। लड़की अच्छे खानदान से है, उसका नाम शीर्षिका है, फोटो तुम्हारे पापा के पास है, देखना चाहोगे? अरे माँ, एक तो तुमने लड़की वालों को अभी बुला लिया, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, और तुम शादी के लिए मुझे फोर्स कर रही हो। तुम्हारे लिए नहीं बेटा, अपने लिए। ऑपरेशन होने के बाद पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं बेटा, इसलिए। माँ इस तरह की बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा और तुम खुशी खुशी घर लौटोगी, लेकिन तब तक तुम मेरे लिए शादी की बात मत करना। शंकर तुम भी इस तरह से बोल रहे हो, माँ को तुम बता दो ना कि तुम्हारे मन में कोई और है। तुम तो कहने से रहे। आंटी, आपके बेटे के मन में एक लड़की है। कौन सी लड़की है? शंकर तुम किसी लड़के से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी मानेंगे नहीं,
वैसे कौन है वो लड़की? वो चुप क्यों हो गए? बोलो क्या कह रहा है तुम्हारा लाडला? वो कह रहा है शादी इतनी जल्दी नहीं करनी। अरे शादी की जल्दबाजी तुम्हारे लिए या फिर मेरे लिए नहीं है, तुम्हारी माँ के लिए है, पता नहीं कब टपक जाएगी। इसलिए मैं इनसे बात नहीं करता, मुँह खोलते ही गंदी बात करते हैं। तुम अच्छी बात के सिवा करते क्या हो? अभी कान खोल कर सुन लो, 4 बजे लड़की वालों के घर जाना है, ये मैंने तय कर दिया और तुम भी हमारे साथ आ रहे हो। मैं नहीं आने वाला, मैंने जबान दी है। आपने जबान दिया तो मुझे क्या इज्जत तो हमारी जाएगी ना। सुंदर होना हो मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अभी तू क्या कह रहा है, आएगा कि नहीं? मैं नहीं आने वाला हूँ। ठीक है मैं जाता हूँ, शादी तय कर देता हूँ। ठीक है शादी भी आप करके आइए, तुझे मैं मार डालूंगा। देखो इसको, मैं नहीं आऊंगा। जवाब दे रहा है, अरे देखो ना कैसे बात कर रहे हैं। माँ की तबीयत खराब है, चलो बेटो। शंकर प्लीज। क्यों जी, हमेशा उस पर भड़कते रहते हैं, कभी शांति से उसकी बात भी तो सुनिए। तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है इसलिए मैं चुप बैठा, नहीं तो तुम्हारा गला दबाकर मार डालता। नहीं खाते हो तो तकलीफ बढ़ जाती है, चले दवा खा। अब रो के क्या होगा, आओ इधर बैठो। क्या है नंदू? तुम्हारे पापा चिल्लाते हैं पर तुम तो चुप रहो, बगल में हार्ट पेशेंट है और तुम इतना भी ध्यान नहीं। अगर मैं उनको प्यार के बारे में समझाता तो समझते, वो मेंटल पेशेंट की तरह कूदते रहते हैं। उन्हें थोड़ी पता है कि तुम कितना प्यार करते हो, एक बार बता कर तो देखो। उनको क्या हो रहा है? जब तक तुम उन्हें नहीं बताओगे उन्हें कैसे पता चलेगा, और वो इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे। कम से कम अपनी मम्मी को तो बता ही सकते हो ना शंकर। हाँ नंदू तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि माँ की तबीयत कैसी है? इस बारे में पापा को पता चल गया तो पूरा घर सर पे ले लेंगे। प्यार करने से भी ज्यादा तकलीफ ये है कि मैं किस तरह उस लड़की से शादी करके अपने घर में बहू बनाकर लेके आ जाऊँ। लेकिन इतनी तकलीफ सहने की क्या जरूरत है, तुम जाकर एक बार उनको बता दो ना। वो कोई बड़े तोप है क्या? वो पागल है, उनको प्यार के नाम से एलर्जी है। तुम लोग सिर्फ प्यार करना जानते हो, जब माँ बाप को बताने की बारी आती है तो अपना हाथ ऊपर कर लेते हो। नंदिनी तुम क्या टॉपिक लेकर बैठ गई, अभी इस मुसीबत से कैसे निकलना है वो सोचो, प्लीज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। तुम्हें उस लड़की के घर जाने से रोकना है ना? एग्जैक्टली। डोंट वरी, 4 बजे घर से निकलो और सारे मंदिरों में जाकर घूमो, फिर टीका लगाकर लेट घर पर आ जाओ। प्रॉब्लम सॉल्व। यस, बहुत अच्छा आइडिया है। ये कम ऑन। व्हाट, आज 4 बजे लड़के वाले देखने आ रहे हैं क्या? पंडित जी अचानक बोलेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे? आज कौन सा दिन है, पंचमी? पंचमी अच्छा दिन है। ठीक है, उन्हें 6 बजे आने के लिए बोल दीजिए। नमस्कार। क्या रे, क्या हमेशा म्यूजिक सुनता रहता है? ए यार रहमान का म्यूजिक सुन रहा हूँ पिताजी। अच्छा बंद कर इस म्यूजिक को। सिरसिका, बेटी सिरसिका। आई। क्या है पापा? अरे यार गड़बड़ में तुम्हें बुला लिया, तुम्हारी माँ को बुला दो ना। माँ? माँ? हाँ आ रही हूँ। पापा बुला रहे हैं, क्या हुआ जी? अरे भगवान, पिछले महीने अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता भेजा था ना, अभी वो लोग अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद में आकर रुके हैं। यहाँ आ गए तो लड़की को देखना चाहते हैं, शाम को 6 बजे उनको बुला लिया मैंने। तुम लोग तैयारी कर लो, ठीक है? ठीक है। वैसे लड़के का नाम क्या है? शंकर, हैदराबाद में ही रहता है, एयर फोर्स में बड़े पोस्ट के लिए वेट कर रहा है, बड़े घर के लोग हैं। माँ ये सब अभी जरूरी है क्या? माँ क्या जरूरी है, हम सोचेंगे। आज तुम ऑफिस मत जाना और ठीक से तैयार होके रहना। लेकिन आज मैं छुट्टी नहीं ले सकती। ठीक है, आते समय ब्यूटी पार्लर जाके आना। क्यों तुम उसे नाराज कर रही हो? बेटा परमिशन लेकर 2 घंटे पहले आने कोशिश करना। परमिशन मांगने पर भी वो नहीं आने देंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या है ना, अच्छे घर से रिश्ता आया है, छूट न जाए इसलिए डर लगता है, समझ गई ना? बाय शीर्षिका। बाय। ए शीर्षिका, 4 बज गए अब तक घर क्यों नहीं गई? घर में पूरी तैयारी हो गई और तुम हो कि यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही हो, आखिर मैटर क्या है? दीदी वो समझ गई, तुम उन पिक्चर की हीरोइनों की तरह आराम से गाना गाते जाना और वो बेचारा वहाँ तुम्हारा इंतजार कर करके थक जाएगा और फिर अपने माँ बाप के साथ वहाँ से चला जाएगा। छी। ओके। ये छी किस लिए और ओके किस लिए? गाना गाते हुए जाने का आइडिया। छी। आहा। मेरा इंतजार करके वो चला जाएगा। ओके। कम ऑन। शीर्षिका। हाँ दीदी। मेरा स्टॉप आ गया है, एक्चुअली मेरे सास ससुर आने वाले हैं इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ आती। कोई बात नहीं दीदी, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे जो कहा है याद तो है ना, भूलना नहीं। ओके बाय बाय। क्या बात है मैडम, आप इनको समझा कर जा रही हो? हमेशा क्यों, क्या, किस लिए, क्यों पूछते रहते हो? अभी आपको मैंने क्या बोला मैडम? आज कुछ अजीब होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ, इसलिए क्यों, क्या, किस लिए पूछने की जरूरत नहीं है। अजीब होने वाला है और क्यों, क्या, किस लिए नहीं पूछना है। Oh,
तूने छींक दिया ना, अब 15 मिनट और रुकना पड़ेगा। अरे यार ड्राइवर बाबू, 15 मिनट और यहाँ रुकेंगे तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। चल जल्दी से गाड़ी निकाल। जय गणेश। तूने दोबारा छींक दिया, बहुत हो गया। दूसरी पनौती, आज के दिन मैं बस नहीं चलाऊंगा, तू ही चला। अरे अरे ऐसा मत बोल मेरे दोस्त, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, गाड़ी निकाल। अगर ऐसी बात है ना, तू पहले बस में चढ़। अच्छा हाँ, पहले मैं चढ़ता हूँ। जल्दी से आ जा। हाँ रुक ना, आता हूँ ना। आ जा। अरे उधर देख तू। ओ बहन जी, गाड़ी वापस जा रही है, अभी और कितनी देर बैठोगी बस में? चलो उतरो। जुबली हिल्स के लिए एक टिकट। क्या जुबली हिल्स के लिए? अरे लास्ट स्टॉप के लिए टिकट चाहिए? पता नहीं आज क्या क्या होने वाला है, ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। ये तुम अपना टिकट पकड़ो। जब तुमने छीका तभी मैं समझ गया कि आज कुछ विचित्र होगा। हाँ तो तू सोचेगा ही ना। चल गाड़ी चला। बहन जी टिकट टिकट टिकट। जुबली बस स्टैंड के लिए एक टिकट। जुबली बस टर्मिनस। ओहो मांगा है तो देना ही पड़ेगा ना। भाई साहब अभी टाइम क्या हुआ? 7 o'clock। अरे 6 बजे आए थे हम, एक ही बात को 10 बार सुना रहे हो और चुपचाप हम यहाँ पर सुने जा रहे हैं। देखिए अभी टाइम क्या हुआ, आपने हमें पागल समझा है। जो मैं इंतजार करते रहूं, अपनी किस्मत ही फूटी है। कंडक्टर मेरा स्टॉप आ गया, मेरा चेंज दे दो, मुझे उतरना है। चेंज के बदले ये लो चॉकलेट पकड़ो, उतरो। अरे विशल, वो पीछे जो लड़की बैठी हुई है ना, उसको भी एक चॉकलेट दे दे, हमारी तरह डबल ड्यूटी करके वो भी थक गई होगी। ट्रैफिक जाम। ओहो क्या बहाना बनाया है, पूरे शहर में हर रोड के ऊपर ओवरब्रिज बनाया गया है, तो ये ट्रैफिक जाम कैसे होगा? ऐसा झूठ बोलो जो मुझे सच लगे। क्यों जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों, ये सारी बातें सुनकर तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है क्या? तू एक काम कर, यहीं पर एक बिस्तर डालकर सो जा, जब वो लड़की आ जाएगी तब मैं तुम्हें जगा दूंगा। आप सुनिए तो सही। क्या सुनूं? हाँ तुम्हें पता है कि आज हम लोग इतने बजे यहाँ पर आने वाले हैं और अभी तक लड़की का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में गलत समझते हैं। क्या पंडित जी, बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है बेटे के लिए, हम इंतजार कर रहे हैं और उनको कोई खबर ही नहीं है, आप ये सब लेकर क्यों खड़े हैं? अरे ये आप क्या कर रहे हैं? तू अपना मुंह बंद कर। अरे हम लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं और लड़की ने फोन करके कहा कि वो किस जगह पर है, कब आएगी, ऐसा फोन करके कहा उसने। इस शहर की लड़कियाँ ऐसी ही होती है, मस्त टिप टॉप तैयार होकर लड़कों के साथ घूमती है। आपको ज्यादा बोल रहे, चुप हो जाइए। बोल रहा हूँ क्या ज्यादा, मैंने तुम्हें पता नहीं तुम्हारी लड़की किस लड़के के साथ कहाँ घूम रही होगी, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो देखो शीर्षिका, अच्छा हम चलते हैं। ठीक है हम चलते हैं। आने में देर क्यों हो गई? बस का ब्रेकडाउन हो गया था माँ, अकेले ऑटो में आने में डर लग रहा था, तो दूसरी बस चेंज करके आई हूँ। तो एक फोन करके नहीं बता सकती थी? पास में कोई टेलीफोन बूथ नहीं था। झूठ बोल रही, ऊपर से तू तो। तुम चुप हो जाओ, घर की जो इज्जत गई है वो तो वापस नहीं आने वाली है, तो इसे क्यों डांट रही हो तुम? वो बुढ़ा जो बेइज्जती करके गया है, इसका लेट आना तो फिर भी अच्छा ही हो गया, असली चेहरा दिख गया उनका। अब सुनिए तो, इसको कुछ मत बोलो बेटी, जो हुआ अच्छा ही हुआ, बहुत उठपटांग बोल कर गया वो बुढ़ा, हमारी इतनी बेइज्जती करके गया मालूम है? सुनिए, उस घर में तेरी शादी तो हरगिज नहीं होगी, यही फैसला है मेरा। अजी मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चुप रहो। आप ही ने तो कहा था इस रिश्ते के लिए। हाँ उसमें और हम में बहुत फर्क है, समझी क्या? ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है, माँ को कुछ हुआ क्या? हार्ट अटैक की वजह से वो बेहोश हो गई थी, वो अपने कमरे में है। माँ क्या हुआ बताओ ना माँ। अरे तुम चुप क्यों बैठी हो? बताओ बेटी बताओ। वहाँ पर उस गवार लड़की ने जो किया, उसके बाप पर जब मैंने चिल्लाया तो ये गवार औरत बेहोश हो गई। पापा क्या पिताजी हैं, इसको कुछ नहीं होगा, उम्र बहुत लंबी है, ये पहले मेरी जान लेगी। अगर आप वहाँ पर थोड़े अच्छी तरह से पेश आते तो ये सब नहीं होता था। क्या नाम था उस लड़की का? कुछ भी हो तुझे क्या, अब हमको उस रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मैंने आपको सुबह ही बताई थी, क्या जरूरत थी आपको वहाँ पर जाने की?
आप क्यों गए? जब मैंने उस लड़की को रास्ते में घूमने वाली लड़की कहा तो ये बात सुनकर उसके बाप ने हाथ उठाया, और जब मैं पैर उठाकर देने ही वाला था कि तेरी माँ माँ करके जमीन पे लेट गई। ये तो मुझे मार के ही रहेगी। अंकल इतना चिल्लाइए मत, सुबह के टेंशन की वजह से बीपी हाई हो गया और चक्कर आ गया। शंकर मैंने बेसिक ट्रीटमेंट तो दे दिया है, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना होगा, ठीक है? देखो पंडित, अगली बार ऐसा रिश्ता लेकर तुम कभी आए तो तुम्हें रास्ते में खड़ा करके बहुत मार मारूंगा। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। मैं पागल थोड़ी हूँ जो इस तरह का रिश्ता लाऊंगा। मैं कोई रिश्ता नहीं लाऊंगा आपके बेटे के लिए, समझ गए? आपके पास जो फोटो है मुझे दे दो, मैं ले जाकर उनके मुंह पे फेंक देता हूँ। कोई अप्सरा की फोटो है जो पूजा घर में रखूंगा? ऐसी लड़की का क्या करना है? रुको फोटो देता हूँ। हाँ, उस अप्सरा की फोटो मिल गई है। तुम रुको, मैं अपने लोगों को भी इस लड़की की फोटो दिखाता हूँ ताकि सबको पता चले कि वो किस तरह की लड़की है। देखो, मैं जिस लड़की को देखने जाने वाला था ये वही है। हाँ, इसी पनौती लड़की को देखने गया था और झगड़ा करके आ गया। छी छी, अरे अरे अरे, ये 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 ये, मैंने फोटो फाड़ दिया। जा उसके बाप को बता दे, जा जल्दी से जा। ठीक है, जा। शंकर आंटी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो माँ। मुझे नहीं चलना। शंकर मरने से पहले तुम्हारी शादी होती देखना चाहती थी, अब तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो ऑपरेशन करवा कर क्या करूंगी? आंटी मर जाने दो मुझे ऐसे ही। अरे वाह, तुम इसी बात पर अड़ी रहना। वैसे भी तुम्हारे बेटे की शादी टूट गई तो कौन रो रहा है? मैं रो रहा हूँ क्या? तू भी ऐसे ही मर जा, मेरा पीछा छूट जाएगा। पापा बेहो तो ठीक से नहीं कर सकते, कम से कम बात तो ठीक से कीजिए। मैं कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ भाई, तुम भी बात करो। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, किसी एक से नहीं। मेरी बात किसी को पसंद ना हो तो मना कर सकते हैं। मेरी बहन नंदिनी की शादी आपके बेटे शंकर से करवाना चाहता हूँ। प्रकाश। यस, आई एम अ प्रैक्टिकल मैन। जो बात आप लोग करने से डर रहे थे वो बात मैंने की है। अरे बेटा, तो ये बात है इसलिए तू उस लड़की को देखने के लिए उसके घर पे नहीं गया था? वो बात नहीं है पापा। तो फिर क्या बात है, तुम इन्हें ना क्यों कह रहे हो? शंकर जरा मेरे साथ बाहर चलो। ये सब क्या है नंदू? तुम हाँ तो कहो ना। ये बहुत सीरियस मैटर है, डोंट बी सिली फूल। मैं सच में थोड़ी हाँ कहने के लिए कह रही हूँ, तुम झूठ मूठ का हाँ कह दो बस एक हफ्ते के लिए। शंकर तुम्हारे झूठ बोलने से तुम्हारी माँ की जान बच सकती है, पहले उनका अच्छे से ऑपरेशन तो होने दो। नंदू मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उस लड़की के बारे में तुम्हारे पिताजी को बताना ठीक नहीं है, थोड़े दिन रुकना ही होगा। शंकर मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम चलकर हाँ बोल दो। चलो चलो ना शंकर, आओ आओ ना। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं है। शंकर क्यों जी? अब क्या कहना है तो खुशी की बात है, अगर डॉक्टर घर की बहू होगी तो ऑपरेशन के पैसे बच जाएंगे। तो फिर आपका ऑपरेशन? पहले तुम दोनों की शादी होगी फिर मेरा ऑपरेशन। आंटी अभी ऑपरेशन होने दो, पहले ऑपरेशन फिर शादी। क्या मैं तुम लोगों की शादी देख पाऊंगी? आप जरूर अपने बेटे की शादी देख पाओगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारा भाई जो हूँ। भाई होने की हैसियत से, लेकिन मेरा भाई बनना काफी मुश्किल है। अब बन गया ना? ए शंकर अब क्या हो गया है तुम्हें? नंदो ए, उसको एक टी शर्ट दे देना, जब ये बस में चढ़ेगा तो लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि ये पिक पॉकेटर है, पॉकेट मार है। और जब ये चोरी करने के लिए किसी की जेब में हाथ डालेगा और पकड़ा जाएगा तो उसका हाथ तोड़ देंगे और लॉन्ग लाइफ लूला बनकर घूमा करेगा। अरे परशुराम टैंक के अंदर से निकल रहा है। शकलका बेबी, शकलका बेबी, शकलका बेबी, शकलका। ये क्या सर?
टांकी में से बाहर कैसे आए? मुझे लगा कि मुझे यही आना है तो आ गया। अरे इस हाथ को तो उसके लिए। थैंक यू। ये हाथ तो उस काम के लिए, फिर दोनों की उम्र हो। थैंक यू सर। सर आपके लिए टी शर्ट लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा है, पहन कर देखिए। ये डिजाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, पहन कर देखिए। लेकिन मैं तो अभी तक नहाया नहीं। नहाने की क्या जरूरत है सर, मैं स्प्रे मार देता हूँ, आप पूरा फ्रेश हो जाएगा। ये पहन के स्मार्ट लगेंगे। ये तो कीड़ा मारने वाला खुशबू लग रहा है। सलाइन चक्कर शंकर। हाँ माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊँ। ये कैसे बात कर रही हो माँ? नंदिनी, अब तुम ही इसके लिए सब कुछ हो बेटी, मेरी कमी भी तुम्हें ही पूरी करनी होगी। मेरा बेटा बहुत शर्मिला है, इसका इसके पिता के साथ बिल्कुल नहीं जमता, हमेशा दोनों एक दूसरे से नाराज रहते हैं। बेटी, इन दोनों को तुम्हें ही एक करना होगा बेटी। एक बात बताओ नंदिनी, यही है तुम्हारा वुड बी? वेरी स्मार्ट, यू आर सो लकी। मैं चीफ सर्जन से बात करती हूँ। ठीक है सिस्टर। सुनिए डॉक्टर, अपने पीछे चलने वाली सिस्टर का ख्याल रखिए। रास्ते में हेलो सिस्टर, घर पे आओगी तो ये वंदना ब्रदर्स की साड़ी पहनकर चली जाती है, इसका ख्याल रखिएगा। देख लिया, सुबह 10,000 की गड्डी निकाला था मैंने, अब इतना ही बचा है। पेमेंट ज्यादा, ट्रीटमेंट कम, किसी को बोल के क्या फायदा, बचकर घर पे आ फिर बताता हूँ। कहाँ है पिक पॉकेट? ना घर पे है ना रास्ते में, कहाँ जाकर मर गया ये? और कहाँ मरा होगा यार, किसी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के हाथों मार खाकर मर गया होगा। लगता है हमारा प्लान सक्सेस हो गया। अरे हा? लेकिन ये गुड न्यूज हमें सुनाई क्यों नहीं दिया? तू चुप रहा, सुन, रेडियो में न्यूज आ रही है। आज के मुख्य समाचार, ट्विन सिटी में पिक पॉकेट और आतंकवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, पुलिस ने काफी मेहनत करके 25 पिक पॉकेटर को पकड़ा है। लगता है हमारा पिक पॉकेटर भी पकड़ा गया, इन 25 लोगों में वो जरूर होगा। आ गले लगता। है? ये टी शर्ट इसके पास कैसे? ये चश्मीस, ये टी शर्ट तुम्हें कहाँ से मिला? नया है जी, खून बेचकर इसको खरीदा है। खून बेचकर खरीदा है, तुम्हें देखकर ही पता चलता है ये काला चेहरा। मजाक मत कीजिए, आजकल का ये फैशन है, मैंने इसको ब्लैक में खरीदा है। ये विशल, जरा इधर देख, सारे लोग अपनी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। यार सच है। ये कैसे, ये क्या, आपने ऐसा टी शर्ट क्यों पहना है? ये है लेटेस्ट फैशन। फैशन? ये कौन सा फैशन है? इडियट, मेरे को हाथ लगाता है। अरे वाह, तुम बात तो बहुत अच्छी कह रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे अंदर की हिम्मत नहीं है। इसमें क्या है पता है? लव लेटर में और क्या वैरायटी होती है? 10 लाइन प्रिया 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 प्रिया, और अलग से 10 लाइन जानू 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 जानू, और फिर अलग से 10 लाइन किस किस किस, और क्या होगा? ये उस टाइप का लव लेटर नहीं है। इसमें मेरे बारे में 4 लाइन, और मेरे पापा ने जो झगड़ा किया उसके माफीनामे की 4 लाइन, और तुम मुझे किस तरह से हेल्प कर रही हो उसके 20 लाइन। किस तो मामूली है। अरे गोविंदा, गोविंदा, कैसा हॉस्पिटल है, 1 घंटे में 6 बार लाइट गई, अगर कल ऑपरेशन के समय लाइट गई तो अरे बाप रे, ऑलरेडी पेमेंट तो मैंने कर दिया है। अरे क्या गुरु, पहले लड़कियों के पीछे भागते हुए उनके लिए गाना गाते थे, और अब फुर्सत में बैठकर गाने गा रहे हो। टाइम बदल गया है दोस्त, अब गोल्डन टाइम स्टार्ट हो गया है। क्या उस पेजर वाली लड़की से कोई ज्यादा खूबसूरत मिल गई है? नहीं, वो पेजर वाली लड़की ही मेरे जाल में फंसने वाली है। आई डोंट बिलीव, जिस लड़की ने आज तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा वो लड़की सडनली तुम्हारी हो जाएगी। यही तो सीक्रेट है, शंकर ने मुझे जेंटलमैन समझ के फ्रेंडशिप की है ना। अच्छा, उस बेचारे ने इमोशनल में पेजर गर्ल को लेटर लिखने का सीक्रेट लीक किया। मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर तुम क्या करने वाले हो? मैंने उस लेटर को चेंज कर दिया। रूप की तू रानी तो सुंदरता, देखा तूने मुझको जब मन ठग लिया, ना तुम सा कोई होगा, ना होगा ना होगा, तेरी अदा ओ रानी दिल में जगा। बस बंद हो गई है, सारे जेंट्स लोग बस से उतर कर धक्का दीजिए। यहाँ पर खड़े रहने से अच्छा है नीचे उतर कर बस को धक्का देते हैं। चला। हेलो, थोड़ा साइड दीजिए। हेलो, ये ले लो।
क्या हुआ? हाँ, विलन ने दिया तो ले लिया, हीरो दे रहा तो सोच रही हो? उसने दिया और इसने ले लिया, इसका मतलब ये उसे पसंद करती है। चुप रहो, ये लेटर ले लो प्लीज, ले लो प्लीज, मुझसे बात करो मुझसे। अगर तुम मर्द हो तो जाकर धक्का मारो। मर्द ही हूँ, ये देखो। अरे चल गई, चल गई, चलो चलो चलो। जब से इस हॉस्पिटल में आया हूँ तब से 10-12 चेक पे साइन कर चुका हूँ। अभी इसके ऑपरेशन के लिए साइन कर रहा हूँ, अब बस वसीयत पे साइन करना बाकी है। ए, सुन रही हो ना, बहुत पैसा खर्च करके ऑपरेशन करवा रहा हूँ, एक्साइटेड होके मर मत जाना। पापा, अब बस भी कीजिए, ज्यादा बात मत कीजिए। बेटा शंकर, माँ डरो मत, माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। डॉक्टर, आपके हार्ट सर्जन का ये कितने नंबर का ऑपरेशन है? 1132। सुन लिया ना आपने, अब कुछ मत सोचिए और चलिए यहाँ से। बेटा बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। नंदिनी, हाँ, वो फल की टोकरी लेकर आओ बेटा, और वो ट्रे भी लेकर आओ, जल्दी बेटा इधर आओ। माँ, शंकर तुम्हें कुछ नहीं होगा, माँ तुम डरो मत। बेटा मैं लौटूंगी या नहीं मुझे डर लग रहा है। प्रकाश, ये लो बेटा। मैं इसको तुम मंगनी समझ लो बेटा, नंदिनी के भाई के नाते स्वीकार करो, ले लो बेटा, अब मैं सुकून से जा सकती हूँ, ले लो। शंकर, लेने के लिए कहो। नंदू, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा ना, लेने के लिए कहो। ले लो बेटा, ले लो। प्रकाश, ले लो, ले लो बेटा। नंदिनी, शंकर, हिम्मत से काम लो माँ। बेटा नंदिनी, कम ऑन, चलो। शंकर, तुम्हारा लेटर शीर्षिका तक पहुंच गया क्या? वो सब बात छोड़ो, माँ को कुछ नहीं होगा ना? शंकर, इस हॉस्पिटल में इस बीमारी का ऑपरेशन करवाने के लिए फॉरेन से पेशेंट आते हैं, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। उसने मेरा लेटर फाड़कर फेंक दिया। क्या लेटर फाड़ दिया? लेटर फाड़कर फेंक दिया? फिर इतने दिनों से वो तुम्हारे पीछे क्यों भाग रही थी? ये सब तमाशा था क्या? कोई कितना भी तमाशा कर ले, मेरे लिए माँ इम्पोर्टेंट है, माँ को कुछ नहीं होगा ना? तुम्हारी माँ 100 साल तक जिएंगी। थैंक यू डॉक्टर। शंकर, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते, जब डॉक्टर कहेंगे तभी जाना। नंदू, बस एक बार। शंकर, मेरी बात सुनो। शंकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी माँ सही सलामत है। थैंक यू। इतने पैसे खर्च करके ऑपरेशन करवाऊंगा तो बचेगी नहीं क्या? अरे यहाँ तो बदबू से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, बाहर जाकर कॉफी पीऊंगा तब चैन मिलेगा। चलो आओ आओ। मार क्यों रहे हो? सुपर आइडिया देकर कह रहा था, वो टी शर्ट पहन के घूमेगा तो पब्लिक उसे बहुत मारेगी, अब देख सारी पब्लिक उसी की टी शर्ट पहन के घूम रही है। हेलो, मीट माय फ्रेंड विसिले गियर, नाइस मीटिंग यू। अमेरिका में बहुत बड़ी एड कंपनी है, तुमने जो टी शर्ट दिया था इनको बहुत पसंद आई, इसलिए खुश होकर यहाँ बहुत बड़ी कंपनी खोलने आए हैं और उसी कॉपीराइट पर डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, तुम कॉफी लेकर आओ। कम ऑन फ्रेंड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कतरे के लिए हम लोग कॉफी लेकर आए। पेन, यू साइन। इसने शर्ट और टाई पहनकर पढ़े लिखे जैसा बिल्टअप तो दे दिया है, लेकिन इसको साइन करने के लिए नहीं आ रहा है, उसको बार बार साइन करने को कह रहा है, वो देखना कैसे मुंह बनाकर खड़ा है। यू साइन। ओके ओके। ओहो,
ये दोनों एक जैसा ही है। साइन, वंडरफुल साइन। अरे यार ये इंग्लिश तो फटाफट बोल रहा था लेकिन पेपर पे अंगूठा लगा रहा है। इंग्लिश उसकी मातृभाषा है और वो इंग्लिश में ही बात करते हैं और इंग्लिश में ही काम करते हैं। यानी इंग्लिश बोलने वाले को पढ़ना लिखना नहीं आता, हिंदी में बात करने वाला हिंदी में लिख सकता है क्या? वो देखो लड़की, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था। हाय मिस नंदनी, यही वो लड़की। आई एम नवीन, बीकॉम ऑनर्स ICWA, साउथ अफ्रीका बोर्ड ऑनर्स में एज ए एडिटर काम कर रहा हूँ। बट यू नो नंदनी, शंकर ये सब क्या हो रहा है? शंकर, ही जस्टिस जगन्नाथ राव, हिज वाइफ एंड हिज सन नंदिनी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाए थे, पर मैंने बताया कि नंदिनी की शादी फिक्स है। नवीन, मीट मिस्टर शंकर, नंदिनी शुड बी। कांग्रेट्स। हेलो मिस्टर लकी, इतनी खूबसूरत लड़की को अपना बना लिया, हमारा क्या है? वापस युगांडा जाकर भैंस टाइप लड़की को सेलेक्ट करके शादी करना होगा। I'm really sorry. Anyhow, it's okay. Once again, congrats. Bye, sir. नंदो, उलझने और बढ़ती जा रही है, मैं और चलता हूँ बेटी। ठीक है अंकल। देखो लवाइफ, जिस हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन हुआ है उसमें मुझे केस करना है। ऐसा क्यों? क्यों क्या? इसको बचाने के लिए, क्योंकि मैंने इससे शादी की है, हम दोनों का बेटा है। ये मर जाएगी तो इसकी चिता को आग देगा और मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा था। 3 लाख का ऑपरेशन, चलो चलते हैं। बच गई। नंदो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अभी जाकर पिताजी को सारी बातें बता देता हूँ। बताने के बाद वो समझ जाएंगे ना। अभी तक तुमने शीर्षिका का कैरेक्टर समझा है क्या? मतलब उसने तुम्हारे लव लेटर को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, ऐसा उसने क्यों किया ये तुम्हें पता है? ये मैटर मेरे हाथ में है, तुम्हारा मैटर उस लड़की के हाथ में है। उसकी मुट्ठी में क्या है पहले ये देखो, तब तक मेरा हाथ ऐसा ही रहेगा। ये क्या है मास्टर? सुनो, कल बस डे पार्टी है। मतलब? मतलब बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, स्टूडेंट सभी मिलकर इस दिवस को मनाएंगे। स्टूडेंट्स और तुम्हारा तो कभी जमता नहीं है, फिर पार्टी साथ में कैसे मना रहे हैं? जमता नहीं है इसीलिए तो कभी कभार पार्टी करते हैं, आपको आना है। ठीक है ठीक है। पेजर दीदी, कल बस डे है, जरूर आना। बस डे? हमारे सारे लोग आ रहे हैं ना? बिल्कुल आ रहे हैं, हमारा खास कैंडिडेट भी इस पार्टी में आ रहा है। ए शीर्षिका, पार्टी में तेरा हीरो आ रहा है, ये पता चलते ही चेहरा कैसे खिल उठा है मैडम का। कल बर्थडे फंक्शन में उस हीरो से अपने दिल की बात कर लेना। तब तक मुझसे बात कर लो बाबा, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ रहेगा। नमस्ते भाई। नमस्ते। रघु भाई कहाँ है? नीचे नीचे। भाई नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते, क्या चाहिए तुझे? भाई एक हेल्प चाहिए था भाई। अटैक या मर्डर? वो क्या है ना भाई कि अटैक मतलब हाथ या पैर और मर्डर मतलब खलास। भाई अगर हाथ पैर निकाल दोगे भी तो बस है। अगर दोनों निकालना है तो रेट थोड़ा ज्यादा लगेगा। दारू पिएगा क्या? नहीं भाई, ये लीजिए। कितना है? वो क्या ना भाई, कल बस डे है, वहाँ जरूर आएगा। उसे दिखा कर तो साइड ले लेना, बाकी काम मेरे लड़के संभाल लेंगे। भाई उसके लिए एक रास्ता है। कौन सा रास्ता रघु नहीं जानता? ऐसी बात नहीं भाई, उस बस में एक लड़की है, उस लड़की पे कोई हाथ डाल दे। समझ गया, हीरो हीरो बनता है क्या? फ्लाइट की दृष्टि, ट्रेन की नजर, ऑटो की दृष्टि, टैक्सी की नजर, रेत की दृष्टि, सब दूर हो जाए। Ah!
चल बे। कौन हो तुम लोग? बस मैं एक लड़की को छेड़ रहा था। ए, मैंने हाथ डाला, तेरे को तकलीफ हो रही है? एक बार फिर से छेड़ बताता हूँ। सर, इसने लड़की को सिर्फ नहीं छेड़ा है, इसने ऑन ड्यूटी कंडक्टर को भी मारा है सर। ओए, तेरी बस हमारे एरिया में घूमती है समझा? सर, आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है, इसे अंदर डाल दीजिए सर। 204 अंदर डाल इसको। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कुछ पैसे देने होंगे? सॉरी सर। ए, उसने तुम्हारे लिए झगड़ा किया, उसको जाकर थैंक्स तो बोलो। थैंक्स ही क्यों, सॉरी भी बोलूंगी उससे। हाँ, सॉरी भी बोलोगी? कैसे कैसे बोलोगी? अरे वाह। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे अंदर मुझे एक हीरो दिखाई देता है। तुमने जिस लड़की को बचाया है, प्यार करते हो उससे? वेरी गुड। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम उसके पास जाओगी, अपने दिल की बात कहोगी और मुझे खुशी होगी। चलो 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 ना। वैसे प्यार कब होता है, कैसे होता है, पता ही नहीं चलता है। इस प्यार के बारे में अत्रे जी ने क्या कहा है मालूम है? क्या कहा है सर? मैं एक प्यार का पागल हूँ, तुम एक आश्रम की लड़की हो, मेरी प्यास न बुझेगी, तुम्हारा दिल न पसीजेगा। आहा, कितने अच्छी तरह से बताया उन्होंने। वैसे तुम्हारी हीरोइन यही है क्या? जी हाँ। गुड सिलेक्शन, विश यू ऑल द बेस्ट। जब दोनों राजी क्या करेगा पाजी, जाओ बात करो। जाकर बात करो। थैंक्स। शंकर, मुझे तुमसे बात करनी है। एक मिनट प्रकाश। कुछ पर्सनल बात करनी है, आओ प्लीज कम। शंकर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये लड़ाई झगड़ा, ये मारपीट, ये क्या है सब? हाँ प्रकाश, देखो नंदिनी का भाई हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, फ्रेंड की तरह बात कर रहा हूँ। तुम्हारी और नंदिनी की एंगेजमेंट हुई है कि नहीं? प्रकाश, ये तुम क्यों बातें कर रहे हो? हुई कि नहीं ये बताओ, बोलो। प्रकाश, तुम मेरी बात तो सुनो ना। अच्छा, ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे साथ चलो और नंदिनी को सारी बातें बताओ, समझ रहे हो ना? नंदिनी को ये सब पता है। क्या पता? तुम्हें जाना है तो नंदिनी से। मैं नंदिनी से क्या पूछूं? सुनिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे रुको, ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। शिट, कम कम ऑन। शशिका, चलो घर चलते हैं, चलो। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी चलो। अरे विशल, देख अपना हीरो आया कि नहीं? अभी अपना हीरो आया नहीं है, थोड़ी देर बस रोकनी पड़ेगी। सुनो, बस को जाने दो, बस रोककर किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैडम, आप ये क्या बात कर रही हैं? अभी तक वो किसके लिए फाइट कर रहा था? थोड़ा बाजू में देख के बात कीजिए। मैं इसका ही ध्यान रखकर बात कर रही हूँ, तुम बस स्टार्ट करो। बात समझ में नहीं आई? सारी लड़कियाँ एक जैसी होती मैडम, पहले पंच करती हैं फिर पंचर करती हैं। ये जाने दे रे, जल्दी चल। नंदू, उठ जाओ नंदू। शंकर, वो सो रही है, डिस्टर्ब मत करो। ये मेरी जिंदगी का सवाल है नंदू, प्लीज मुझे अर्जेंट बात करनी है। नंदू क्या है? एक तो मैं हॉस्पिटल में काम करके थक गई हूँ और तुम जगा रहे हो। नंदू, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, तुम्हें गवाह रखकर बात नहीं करूंगा तो और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तुम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी और को प्रॉब्लम में मत डालो। आज बस डे था, मैं शीर्षिका से बात करने वाला था। शीर्षिका, तुम्हें पता है ना कौन है वो? वहां पर किसी बात पे झगड़ा हुआ और पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, और ये वहां पर तुम्हारे और मेरे एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर वो रोती हुई वहां से चली गई। उस दिन के हमारे प्यार के नाटक को इन्होंने सही समझ लिया और पूरा प्लान चौपट कर दिया। सच क्या है वो प्रकाश को बोल दो, तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं है, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सारी बातें बोल दो इसको, बोल दो ना नंदू। तुम और मैं प्यार का नाटक कर रहे हैं? ये तुम क्या बोल रहे हो? 4 साल का हमारा प्यार नाटक था? ये जो शीर्षिका बोल रहे हो, कौन है ये लड़की? जो सच है उसे झूठ बोल रहे हो और जो झूठ है उसको सच बताने के लिए कह रहे हो, ये क्या है शंकर? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? नंदू प्लीज बी सीरियस, मेरी जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक मस्ती नहीं। इट्स माय लाइफ टू, मैं भी सीरियसली बात कर रही हूँ।
मेरी जिंदगी मजाक मस्ती है, ये अच्छा है। नंदू, शंकर, नंदिनी मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट है। एक बार जजमेंट दे दिया तो नो आर्ग्यूमेंट्स, बी ट्रू टू हर, पॉजिटिव। नंदू, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? थोड़ा मैच्योर की तरह सोचने की कोशिश करो। यू आर अ डॉक्टर। आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम स्टिल स्टूडेंट। ठीक है ठीक है, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुम चाहिए। लेकिन मुझे शीर्षिका चाहिए। तुमसे प्यार करने में शीर्षिका से पहले मैं 4 साल सीनियर हूँ। खामोश हो तो तुम कुछ भी बोली जा रही हो। नो, मैं बोल नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ। यू आर माई हार्ट बीट। ये सुनो शंकर, शंकर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पता नहीं क्यों मैं तुमसे हर बात शेयर करती हूँ, लेकिन जब प्यार की बातें आती है तो मैं खामोश हो जाती हूँ। आज नहीं तो कल तुम मेरे प्यार को समझोगे, इसीलिए मैं केयरलेस थी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। पहली बार जब तुमने बस में शीर्षिका को देखा और मुझे आकर बताया, उसी दिन मैं समझ गई थी। समझ में आ गया था ना, फिर तुमने अपने मन को क्यों नहीं समझा? हाँ, नहीं समझा पाई और अपने आप को बेवकूफ बनाती रही। तुमने उसको बस में देखा था, मैंने सोचा वो जब तुम्हें देखेगी तब देखेगी। शीर्षिका मुझसे प्यार करती है या नहीं ये जानने का आइडिया तुम्हारा ही था ना नंदू? हाँ, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है या वो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है ये जानने के लिए मैंने तुम्हें आइडिया दिया था। उस दिन बस में वो तुम्हें ढूंढे ये तुम विश कर रहे थे और वो तुम्हें ना ढूंढे ये मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा विश कर रही थी। लेकिन उसने इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके पूरी दुनिया छानकर तुम्हें ढूंढ लिया। प्लीज कूल डाउन नंदिनी, कूल डाउन नंदिनी। हाँ बस कूल डाउन होकर अपने प्यार को अपने सीने में दबाकर पानी पी लिया। मेरे नसीब में यही है, सोचकर तुम्हें अपने दिल से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर आए हवा का रुख मेरी तरफ हो गया। शीर्षिका से मेरा रिश्ता होने वाला था ये मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं उसके घर नहीं गया और पिताजी ने भी तो तमाशा किया। यही यही यही, ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि भगवान मेरी तरफ है। भगवान कभी तुम्हारे तरफ था ही नहीं, वो तो तुम्हारे भाई प्रकाश ने बीच में सारी गड़बड़ कर दी। चाहे जिसने भी किया है, और तभी मैंने सोच लिया था कि जो मौका मेरे हाथों से छूट गया था वो वापस मेरे हाथों में आ गया है और इसे मैं नहीं जाने दूंगी। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। hey, प्यार और जंग में सब जायज है और इसे धोखा नहीं कहते। तुम्हें अपना बनाना चाहा और तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। शंकर, जिद और मैं दोनों जुड़वा हैं। बच्चों जैसी बातें मत करो नंदू। ओके, इस बात का कोई हल नहीं निकलने वाला है, उसको दरकिनार कर दो। अभी तुम इमोशन में हो इसलिए क्या क्या बोल रही हो, जाके सो जाओ, बाद में तुम समझ जाओगी कि क्या क्या पागलों जैसी बातें कर रही थी। गुड नाइट नंदू। जैसा सोचा था उसी टाइम पर आई हो तुम। अरे अपने चेहरे को तो देखो कैसा खिला हुआ है। अब बताइए गर्मा गर्म क्या लेंगी? गर्मा गर्म शंकर ब्रांड कॉफी रेडी, बैठो, टेक इट। रात में डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी ऐसा नहीं लग रहा है आपको? और बिना सोचे समझे पागलों जैसी बातें कर रही थी। चलो अब बताओ, रात में तुम जो भी कह रही थी वो सब बेवकूफी थी ना? अच्छा हो गया, कम से कम तुम्हें अभी समझ में तो आ गया। Really, I'm very happy. पागलपन उतरा है ऐसा मैंने कहा? मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स थी वो कल रात मैंने तुम्हें बता दी, और सब कुछ बताने के बाद मैं पूरी रात खुशी से चैन से सो पाई हूँ।
दैट्स व्हाई, इसीलिए मेरा चेहरा इतना खिला हुआ है। नंदू मुझे फिर से कंफ्यूज मत करो। नदी में मछली को कैसे फंसाया जाता है ये मुझे पता है। जाल में फंसने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ। तो बोलिए शार्क जी, आपको फंसाने के लिए कौन सा जाल फेंकना पड़ेगा? नंदू मैं तो तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता। मतलब तुम्हारे दिल में जो तुम्हें पता नहीं है सॉफ्ट कॉर्नर भी है। यस है सॉफ्ट कॉर्नर। ए मुझे सॉफ्ट कॉर्नर करना छोड़ दो। लव मी। इम्पॉसिबल। मुझे प्यार करने की कोशिश करो। ये हो नहीं सकता। इडियट मुझसे प्यार करना सीख लो। नहीं हो सकता। नंदू हमारा दिल इस कप की तरह नाजुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये टूट जाए तो इसे इस तरह उठाकर डस्टबिन में डालकर अपना हाथ झाड़ लेना चाहिए। ओके तुम जरूर मेरे होकर रहोगे। देखते हैं। ए भाई बस में जो बोर्ड लगा है उसे देख कर चढ़ना चाहिए। चलो उतरो। सर एक मिनट रुकिए। बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। जाओ उतरो जाओ। हाँ टिकट 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 कोई बाकी है मैडम? ये क्या वॉच निकाल कर पर्स में रख रहे हो? इस बस में मेरे 4 वॉच चोरी हो चुके हैं। हाय विजिल। अरे हेलो हाय कांस्टेबल, तुम लोग भी चढ़ गए, अच्छी बात है। अब तुम्हारे हाथ एक केस सौंपूंगा और कमिश्नर के हाथों तुम्हारा प्रमोशन होगा। थैंक यू सर। सुनो आजकल बस में चोरी हो रही है और चोरी इसी बस में है और तुम्हें पकड़ना है। प्रमोशन मैं तुम्हें दिलाऊंगा। ओके सर। ओके थैंक यू। थैंक यू। सब लोग अपनी वॉच पहन लो, चैन पहन लो, डरने की जरूरत नहीं है। सुनो भाइयों, उस चोर को पकड़वा कर उसको जेल में बंद करवा दूंगा। फिक्र मत कीजिए, अपने अपने सारे सामान पहन लीजिए। अरे 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 चोर को पकड़ने को कहा तो जा रहे हो? पकड़ तो लिया है। पकड़ लिया। चलो 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 चलो। अरे मेरी चेन चोरी हो गई। अरे हाँ मेरा मेरा भी चेन चोरी हो गया। हाँ आजकल इसी को लोग अपना प्रोफेशन बना लिए, घड़ी चेन अंगूठी चुराना। मेरा सेफ है, अब तुम लोग अपना समझो, तुम जानो तुम्हारा काम। अरे मारो इसको, मारो मारो। ये क्या सिर्फ 8 पर्स? और तू वॉच कहाँ पर है? चलो मैं अभी खबर लेता हूँ तुम लोगों की। चलो आप यहाँ? शीर्षिका वॉच ड्यूटी पर नहीं आई। देखिए उस दिन जो भी हुआ था, कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं है। आज के बाद उस बस में हम लोग नहीं जाएंगे। उस बस में तुम किसी और को ढूंढ लो, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। क्या तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ ही पल में ढूंढ लूंगी। बूस्ट पियो, एनर्जी आएगी। क्या बोल रही है तुम्हारी शीर्षिका? आजकल तुम्हारा लव सिर्फ लेडीज बस में जा रहा है और उस पर ऑफिस में भी नहीं मिल रही है ऐसा सुना है। दास ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लड़कियां होती ही ऐसी हैं, बस पास ली और बस टाइम पास करती हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और अब तुम फुटबॉल गोल में लटक रहे हो। रिस्क है, उतर जाओ। फुटबॉल छोड़कर रनिंग में पार्टिसिपेट करने जैसा चीप प्यार नहीं है मेरा। अरे जब लड़की ने ही रनिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है तो तुम भी सेफ स्टॉप देकर उतर जाओ। नंदू स्टॉप। नंदू स्टॉप। तुम्हें अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हें तुम्हारा प्यार सच्चा लग रहा है तो मेरा प्यार तुम्हें सच्चा नहीं लग रहा? नंदू लीव मी अलोन। आई डोंट वांट टू लीव यू अलोन। तुम्हें तो आप जिस तरह बता रहे हैं वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो नंदिनी किसी लेडीज विलेन की तरह है। मैं नंदिनी को गलत नहीं कह रहा हूँ, और विलेन नंदिनी नहीं भगवान है जो मेरे साथ साजिश कर रहा है। ए चल बाजू, बहुत बकबक कर लिया।
कि विलेन कौन है, भगवान है या नंदिनी, या हीरोइन कौन है, नंदिनी या बस वाली लड़की, एक्शन कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, क्लाइमेक्स कैसा है, ये डिस्कशन करने आए हैं? ऐसा नहीं है रे। चुप रे, ये क्या बात कर रहा है? देखो शंकर, वो बस वाली लड़की तुम्हें पसंद करना चाहिए ना, वो सब मुझ पर छोड़ दो। तुम कैसे करोगे? ये कैसे क्या करना है मैं देख लूंगा। ए, हाँ, हमारा प्लान सक्सेस हो गया है। वो पिजर वाली लड़की बस में अकेले चढ़ी है, आज वो भूतनी नहीं है। तो ब्रेकडाउन कर दूं क्या? हाँ कर दे, बस का ब्रेकडाउन। हाँ, बस ब्रेकडाउन हो गया है, ब्रेकडाउन। चलो उतरो। गोविंदा गोविंदा, पता नहीं कौन सी लड़की बस में बिना नहाए चढ़ी है। सारी लड़कियां बारी बारी से आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आ जाओ। कमोन कमोन, जल्दी करो। ए विशल, भेजर भेजर भेजर। ओहो, हाँ हाँ, ले लो ले लो ले लो, ऑटोग्राफ ले लो। वो देखो बस आ गई, जाओ जाओ जल्दी जाओ, उस बस में जाओ। मेरी टिकट पर साइन कर दीजिए। तुम्हें साइन की जरूरत नहीं, तुम बस में चढ़ो चढ़ो। ब्रेकडाउन हुआ कहा था? बस का ब्रेकडाउन तभी हुआ था ना, ठीक हुआ, बैठ जाओ। अरे तुम्हारे लिए तो ब्रेकडाउन किया था, चलो बस में चढ़ो। अरे गियर, हाँ, अभी तक बस को क्यों रोका था? और किस लिए ब्रेकडाउन किया था? इसीलिए तो ब्रेकडाउन हुआ तो परमानेंटली रोक दिया क्या? परमानेंट क्यों रे, प्रॉब्लम जानेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, गियर डालेंगे, निकल जाएंगे। जिंदगी में भी ऐसा होता है, कई बार ब्रेकडाउन आते हैं। हाँ, तो क्या बैठ जाएं? प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अरे कुछ भी बोल, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद तूने सेंस की बात कही है। अरे गियर, हाँ, हम इस 47 सी में रोज कितने प्रेमियों को देखते हैं। अरे क्या बात करता है, सुबह से लेकर शाम तक यही तो हमारा काम है। कुछ दिनों से हमारी बस में साइलेंस लव चल रहा था। कहीं तू उस माउथ ऑर्गन वाले लड़के की बात तो नहीं कर रहा है विशल? अरे लड़की पैराडाइज बस स्टॉप पे चढ़ती है, हाँ? और लड़का नेकलेस बस स्टॉप पे चढ़ता है, हाँ? और दोनों के बीच में साइलेंस लुक और साइलेंस स्माइल। तुम्हें पता है क्या मतलब? उस लड़के को लड़की का नाम भी पता नहीं। अरे नाम से क्या करना है? अरे यही तो तू गलती कर रहा है, अगर नाम पता होता तो कब की शादी हो जाती। कहीं तू उसके रिश्ते की बात तो नहीं कर रहा? एग्जैक्टली, उस लड़के को ये पता नहीं था कि उसको जिस लड़की को देखने जाना है वो उसी से प्यार करता है। अरे और उस लड़की को ये पता नहीं था कि वही लड़का देखने आ रहा है, और वो हमारे बस में टाइम पास कर रही थी। देखो बहन, नॉर्मली हर लव स्टोरी में प्रॉब्लम तो आते ही है, और उसी तरह तुम्हारे लव स्टोरी में आया है, और इसकी वजह वो लड़की नंदिनी है। कुछ लोग अनजाने में किसी को खो देते हैं, और तुम जानबूझकर उसे खो रही हो, समझी बहन? देखो बहन, तुम्हें जहाँ पहुँचाना था वहाँ हमने पहुँचा दिया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, अब आगे आपकी ड्यूटी है, उसे आप पूरा करो। जरा साइड हटो। हाँ, ये बोतल में क्या है देख? हाँ, यही। ये क्या ये है? कोई मामूली चीज नहीं है। तो फिर इसे हिमालय पर्वत के महान ऋषि ने कुरियर से भेजा है। अरे बाप रे, इसी के बारे में बोल रहा था। हे भगवान, इसे खाने से 24 घंटों तक हमें कोई देख नहीं सकता है। हम उन्हें देख सकते हैं पर वो नहीं। अच्छा, इस बात को परशुराम को मत बताना। कसम खा के कहता हूँ उसे नहीं बताऊंगा। तुझे मैं एक बात बताऊं, इससे तो वो बिना टिकट का चिरंजीवी का फर्स्ट शो देख सकता है, और मैं अपने फेवरेट हीरो की फिल्म देख सकता हूँ। हमारे घर के ओनर का पैसे चुरा कर उसे ही भाड़ा दे सकते हैं। हम अपने बस में ही पिक पॉकेटिंग कर सकते हैं। काम बन गया, काम बन गया। प्रभु, चिरंजीवी, रोज मेरे बस में कोई गुंडा या चोर ना चढ़े, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे भगवान। एक दो दिन से सीटी कितना भी बजा रहा हूँ, बजती नहीं। अरे छी 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 छी, वो डम्बल लेके आ। ये ले, ये रहा, जोर से मार, मार 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 जोर से,
ये पकड़ ला। अरे वाह, अरे ये बहुत अच्छी तरह बज रहा है। हाँ, कल ना वैसे इस टेबल के पास बिच्छू देखा था। बिच्छू बिच्छू जोर से मार और मार। अरे अरे किधर गया? इधर से भाग रहा है। इधर गया, इधर आया। मार 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 मार, इधर होगा। मार मार, इधर चढ़ रहा है। इधर चढ़ा। अरे भाई वो मर गया। मर गया? हाँ, पर्स इधर दे। पर्स मांगने पर मारा क्यों? अरे मर गया, तूने मुझे मारा? मैंने कब तुझे मारा? तेरी तो आज मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। अरे क्या, मैंने कब तुझे मारा? तूने मुझे मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ेगा? तेरी तो, तू मुझे होशियारी दिखाता है। क्या तू बताएगा? चल मैं तुझे बताता हूँ। चल चल देखता हूँ। तूने बहुत अपनी शक्ल आईने में देख ली। चल ड्यूटी का टाइम हो गया है। हाँ चलो जाओ ड्यूटी पे। ऋषि की महिमा। चल ए, एक भी आदमी बस में नहीं चढ़ा। बस को जाने दे। कौन है रे? कौन है? क्यों रे? आंखें नहीं है? अरे धक्का देते हुए तेरी शक्ल नहीं आती? अरे मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने धक्का नहीं दिया। मैं कह रहा हूं है कि नहीं तेरी? हां अरे छोड़ दो मुझे। अरे मैंने धक्का नहीं दिया। अंदर से धक्का मार रहा है। काट के रख दे मुझे, मत मारो। मैं आया अरे तुम्हारा पैसा है, मेरे सामने चुरा कर मेरे सामने गिनना है। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं 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 कर। गलती कर रही हो नंदू। क्या गलती कर रही हूँ मैं? तो अभी ही तुम्हारी फोटो के सामने मुर्गा बन जाती हूँ। मेरा फोटो तुम्हारे कमरे में क्यों लगा रही हो? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो इसलिए, तुम्हारी फैन हूँ इसलिए। नंदो, तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ तुम्हारी शरारत को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारे प्यार को नहीं। मुझे अगर पता होता कि तुम मेरे प्यार को फुल स्टॉप करने वाले हो तो उस दिन मैं तुम्हें नींद से उठाकर बस स्टॉप नहीं ले जाती, उस लड़के को देखने भी नहीं। उसे नहीं देखता तो क्या तुमसे प्यार करता ऐसा लग रहा है तुम्हें? तब तुम्हारे पास चॉइस कहाँ रहती? सिर्फ एक ही चॉइस रहती, सिर्फ एक ही चॉइस रहती। पेजर नंबर 986868। डियर शीर्षिका, ये मुलाकात हमेशा याद रहे। हमारे प्यार की निशानी के लिए मैं अपने पसंद की साड़ी भेज रहा हूँ। उस साड़ी में मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम जरूर आओगी ना? तुम्हारा इंतजार करने वाला सिर्फ तुम्हारा शंकर है। लॉर्ड प्रकाश जी कहाँ है? उस चैम्बर में मिलेंगे। हाँ। कल सब पेपर्स ले आने के बाद ये केस फाइल करूंगा, ओके? नंदिनी? भैया। ए, क्या हुआ नंदिनी? हाँ? नंदिनी, नंदिनी? क्या हुआ नंदिनी, क्यों रो रही हो? हाँ? इस दुनिया में मेरे साथ सिर्फ शंकर होता तो काफी है, बाकी किसी का भी साथ नहीं होगा तो भी चलेगा ऐसा सोचा था, पर शंकर ने मुझे धोखा दिया है भैया। मेरा कोई कोई नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। देखो नंदिनी, इस दुनिया में हमारे साथ हंसने के लिए काफी लोग साथ देते हैं, पर रोते वक्त अकेले को रोना पड़ता है, और रोते समय जो भी हमारा साथ देता है वही भगवान है, उसे समझना होगा। यू आर मेडिकल स्टूडेंट, डोंट यू नो ब्लड इज थिकर देन वाटर? इसके बारे में
आराम से सोचना। मुझे डर लग रहा है भैया। डर किस बात का, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मुझ पर यकीन करो, बिलीव मी। नंदिनी का कोई नहीं यही सोच रहे हो ना? नंदिनी को जो भी चाहिए वो उसे मिलना ही चाहिए। लीव दैट गर्ल, छोड़ दो उस लड़की को, छोड़ दो बस। मैं नंदिनी को गलत नहीं कह रहा हूं, पर उसे शादी भी नहीं करना चाहता। I'm sorry प्रकाश। शंकर रुक जाओ। कौन है रे वो जिसने साहब को उल्टा बोला? उसका नाम शंकर है। तो ये लीजिए फीस। रघु ये तुम्हारी फीस है। हमारे प्यार की निशानी के लिए मैं अपनी पसंद की साड़ी भेज रहा हूं। इस साड़ी में मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम जरूर आओगी ना? जाए तो भी कम है, तुम चलो भैया। लड़कियों को रुलाने वाले लड़कों को उन कमीनों को मार देना चाहिए। शी शी शी, क्या जमाना आ गया है। बैठो बैठो यहाँ पर। सुना होगा नंदू, मैं ही हूँ। ऊपर क्या देख रही हो? श्री कृष्ण भगवान आकर तुम्हें कहीं से साड़ी देंगे ये सोच रही हो? ओहो, शंकर आकर तुम्हें बचाएगा। अपनी मनपसंद की साड़ी में देखने की तमन्ना लिए बेचारा तुम्हारा बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा होगा और तुम साड़ी निकलवा कर यहाँ आकर बैठ गई हो। एक साड़ी मिलेगी? क्यों नहीं दूंगी, जरूर दूंगी। मेरी साड़ी चलेगी क्या? शी, क्यों रे, दूसरे की साड़ी छीनने पर तुली हुई है। मैं अपना शंकर भी नहीं दूंगी और साड़ी भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या सोच रही होगी। नंदू नंदू, वैसे भी शंकर तुम्हें प्यार नहीं करता तो नहीं दूंगी, ऐसा कहने का तुम्हें क्या हक है? यही सोच रही हो ना तुम? तुम्हें धमकाना मुझे कैसे आता है, वैसे ही शंकर को मनाना भी आता है इतने दिनों बाद। अब मेरा समय आया है, समझी तुम? तो अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। आई मीन, इस शहर से तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम टेंशन मत लो, मेरे भैया से कहकर तुम्हारे पापा का ट्रांसफर करवा दूंगी। हाँ, क्या बोलती हो? यहाँ आज हम दोनों के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट होगा। तुम दो, मैं लूंगी। हाँ, यही बैठो, हिलना मत वरना मुंडी मरोड़ कर रख दूंगी। हाँ?
क्या देख रही हो? हाँ, तुम्हारी ये साड़ी मेरे पास कैसे आ गई? यही ना, ये तुम्हारी साड़ी रास्ते से उतारने वाली मैं हूँ। ये कोई दुर्योधन द्रौपदी के साथ किया हुआ अपहरण नहीं है। जलन के कारण द्रौपदी का अपनी सौतन सुभद्रा के साथ किया हुआ अपमान है। ये महाभारत नहीं है, मेरा मन भारत है। तुम्हारे लिए शंकर की भेजी हुई साड़ी अब मेरी है। अब तो शंकर को मेरा ही होना पड़ेगा। ये देखो तुम्हारी साड़ी, खिंचवाने वाली मैं हूँ तो तुम्हारी जान निकलवाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तुम्हें चूड़ीदार में ही देखना मेरी इच्छा है। ये लो, जाओ पहन लो। शंकर मेरी जान है, वो जान सिर्फ मेरे शरीर में ही रहनी चाहिए। उसे किसी और के शरीर में कैसे जाने दे सकती हूँ? तुम सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता के लिए तुम्हें कोई और मिल जाएगा। जाओ जाओ, कहा ना, आई है बड़ी प्यार करने वाली। झूठ, सब झूठ। तुमने मुझे भैया कहा वो झूठ, असल में तुम ही झूठी हो। तुमने मुझे भैया कहा इसकी मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें तो छी, उसकी भी हकदार नहीं हो तुम। मेरी ही गलती है, आज मैंने तुम्हारा असली रंग देखा। आई हेट यू। जाओ जाओ यहां से, गेट आउट, जाओ। तुम्हें पता था ना नंदिनी, सारे डॉक्टर्स आज स्ट्राइक पे जा रहे हैं। कम से कम आज तो समय पे आना चाहिए था ना, सभी लोग वेट कर रहे हैं। रुको, शंकर दास ने बीच रास्ते में शिशिका के साथ बदतमीजी की, मैं उसी को देखने जा रही हूँ। ऑटो चलो जल्दी। दास कहाँ है बे? कहाँ है दास? कहाँ है दास? बता जल्दी। ए, दास कहाँ है? पता नहीं। बोलेगा या नहीं? बताता हूँ। बोल। कंटेनर के पास। ये क्या नंदिनी, तुम्हारी साड़ी और ब्लाउज मैच नहीं कर रहा है? माइंड योर ओन बिजनेस। मैनेजमेंट डाउन डाउन, 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 मैनेजमेंट डाउन डाउन। हाय नंदिनी, अभी हम फाइनल ईयर में हैं। अपना सूरज तुम्हें बेचारा 4 साल से सीरियसली प्यार करता है मगर बोल नहीं पाया, आज डिसाइड करके आया है। बोल रहे, बोल। नंदिनी आई लव यू। नंदिनी हेलो, रघु को किसी भी तरह ढूंढना है, नंबर बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। ए बॉल इधर दे, मैं पास करता हूँ सभी। ए बॉल इधर दे। बेटी शिर्षिका, तुमने ऐसे क्यों किया? बेटी बस ऑटो रुको, लेके आओ जल्दी। क्या हुआ मामा जी, ये रास्ते में क्या हो रहा है? डॉक्टर लोग स्ट्राइक पे, कोई कुछ नहीं देख रहा है। अरे भगवान, अंकल डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही है, हम क्या करें? वो देख जिसे हम ढूंढ रहे थे हमारे एरिया में ही है। हाँ भाई। ए लॉयर साहब के इसकी लाश भेजनी है। प्लीज स्ट्रेचर दो ना, मेरी बेटी की जान खतरे में है। प्लीज तुम साइड रहो। चलो जल्दी, मुझे अर्जेंटली रघु से बात करनी है। रघु कॉन्टेंस के पास है, उससे क्या कहना है मुझे कह दो, मैं कह देता हूँ। मैंने रघु को एक मैटर फिनिश करने के लिए बोला था, उसे किसी भी तरह से रोको प्लीज। शिशिका देखिए,
कौन है बेटू? मुझे लाश चाहिए। भाई, हाथ छोड़िए, छोड़ मुझे। क्या कर रही है? छोड़ दे मुझे। भाई, छोड़ कहता हूँ, छोड़। भाई छोड़िए, छोड़ मुझे। अरे, भाई छोड़िए, छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए भाई। शांति, मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को तो बचा लीजिए। आपकी अकेली बेटी को देखेंगे तो बाकी पेशेंट का क्या होगा? उसकी जान खतरे में है। मेरी बेटी की जान खतरे में। कहा ना मैडम, कुछ नहीं हो सकता। प्लीज डॉक्टर, वहाँ कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज डॉक्टर, बार बोलना पड़ेगा, हम स्ट्राइक पे हैं। बेटी चलो उधर जाके देखते हैं। हाँ तो जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। इनकी बेटी की जान खतरे में है डॉक्टर, प्लीज उसकी जान बचा लीजिए। प्लीज, मेरी बेटी ने जहर पिया है, उसे तुम बचा लो ना। उसने जहर पी लिया है, तुम उसे बचा लीजिए। तुम उसे बचा लोगी ना? जहर पी लिया? लव का मैटर है क्या? अगर देर होगी तो मेरी बेटी की जान नहीं बचेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। क्या सोच रही हो तुम? जाओ नंदू, प्लीज गो नंदू। चल बेटी चल। फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू नहीं रखी तूने। बोल। नंदिनी, नंदिनी ने ऐसा करने को कहा। अरे नंदिनी, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। स्ट्राइक क्या कर रही हो तुम? अंदर नहीं जा सकती हो। लोग इंसान हो या जानवर हो? अगर हम ऐसा करेंगे तो स्ट्राइक का क्या होगा? इस हालत में अगर तुम्हारी माँ या बहन होती तो तुम लोग ऐसा ही करते? ठीक से बात करिए। गेट डाउन, फायर, गो। बेटी, शिशिका, बेटी शिशिका, देखो डॉक्टर आ गई है। डॉक्टर, मेरी बेटी को किसी तरह बचा लेना। आप यहीं वेट कीजिए, सिस्टर्स। शंकर, क्या हुआ? क्या हुआ बोलो। शिशिका ने जहर पी लिया है।
लास्ट मिनट में हम लोगों से यहाँ लेकर आए, यहाँ देखा तो डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही है। पैर पकड़ के पूछने से भी एक डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था, पता नहीं क्या होगा शंकर। शीर्षिका क्यों किया? शिट। इसी वार्ड में है वो। शिट। ए, इस डॉक्टर के हाथों शीर्षिका को क्यों सौंपा? ऐसा क्यों कह रहे हो शंकर, क्या बात है बताओ ना। वो कौन है पता है आपको? नंदिनी। नंदिनी मतलब? हाँ हाँ वही वही। नहीं शंकर ट्रीटमेंट मत रोको, कोई डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं था, कैसे कैसे मना कर लाए। नहीं जहाँ तक मुझे पता है वो शीर्षिका को नहीं बचाएगी, उसकी जान ले लेगी। नहीं शंकर मैं नंदिनी से बात करूंगी, मैं बात करूंगी नंदिनी। नहीं पिंकी उसके बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानती। मैं अभी आता। नहीं शंकर नहीं शंकर रुक जाओ शंकर। ओहो अब क्या होगा शंकर। ये तुम क्या कह रहे हो शंकर? मेरी बेटी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए भगवान। चुप हो जा शांति, चुप हो जा। सुनिए जी मुझे शीर्षिका चाहिए, मुझे अपनी बेटी चाहिए, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। शीर्षिका को कुछ नहीं होगा। शंकर कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे मेरे प्यार से भी ज्यादा इनको इनकी बेटी से मिलाना जरूरी है। नंदू, नंदू, नंदू मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो नंदू, प्लीज नंदू दरवाजा खोलो, नंदू नंदू दरवाजा खोलो प्लीज नंदू। नंदू मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, कितना प्यार करती हो तुम। नंदू प्लीज शीर्षिका को कुछ मत करो, प्लीज नंदू। तुम क्यों इस तरह कर रही हो मुझे समझ में आ गया नंदू। नंदू मैं तुम्हें प्यार करने की कोशिश करूंगा नंदू। हाँ नंदू मैं तुम्हें प्यार करूंगा नंदू, मैं तुमसे प्यार करना सीखूंगा। नंदू उस लड़की को कुछ मत करो नंदू प्लीज, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। ये तुम क्या कर रही हो नंदू? नंदू स्टॉप इट, मैं तुमसे शादी करूंगा। नंदू तुम सुन रही हो? नंदू ये तुम क्या कर रही हो? स्टॉप इट ऐसे। नंदू मैंने कहा ना तुमसे शादी करूंगा। नंदू आई लव यू नंदू, प्रॉमिस, ये सच है नंदू, ये सच है। Yes, I love you. नंदु, जल्दबाजी मत करो। हमारे प्यार की शुरुआत किसी बेगुनाह लड़की के मौत से नहीं होनी चाहिए नंदु। प्लीज हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, अगर तुम शीर्षिका को बचाओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगा। और ये बात नहीं।
नंदू, थैंक यू नंदू, थैंक यू। शीर्षिका के भावी जीवन में अब सब अच्छा हो ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। सब कुछ अच्छा ही होगा, होना ही चाहिए। शंकर, शीर्षिका के माता पिता को बता दो कि वो बच गई है। उसके होश में आने से पहले मुझे यहां से जाना होगा। चलो नंदू। शंकर, प्रैक्टिकली आज पहली बार एक जिंदगी को बचाया है। इतने दिनों तक जो मैं स्टूडेंट थी, इस ऑपरेशन से मुझे आज एक डॉक्टर की फीलिंग आई है। तुम डॉक्टर नहीं हो नंदू, भगवान हो। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट जिंदा है। बस मेरा प्यार मर गया। हाँ नंदू, हाँ शंकर, मेरा प्यार ही मर गया। तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम मेरे हो जाओ इसलिए मैंने सिर्फ लड़ाई ही की थी, पर उसे जब पता चला कि तुम उसके नहीं हो सकते तो उसने अपनी जान तक देने की कोशिश की। उसका प्यार ग्रेट है शंकर, उसका प्यार ही ग्रेट है। आ जाओ, आओ मैं दिखाती हूँ। स्टूपिड हो तुम, हर चीज के लिए आइडिया मुझे ही देना पड़ता है। ये नंदू सब जानती है और इस नंदू को सिर्फ पाना ही नहीं, त्याग करना भी आता है। तुम्हारी जान को हासिल करने की कोशिश की थी ना मैंने, अब तुम्हें वापस लौट आ रही हूँ। शंकर, इतना कुछ होने के बाद तुम मुझे कम से कम एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे ना? फूल, फूलिश की तरह बातें मत करो। तुम हमेशा मेरी फ्रेंड रहोगी और तुमने ही मुझे गलत समझा था। जा जा। ए। शीर्षिका, शीर्षिका,